समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो सर्वाधिक पीड़ित, उपेक्षित और समाज द्वारा बहिष्कृत कुष्ठ रोगियों एवं उनके बच्चे बच्चियों के लिए काम करता है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर सम्मान दिलाता है, ताकि उन्हें मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर आदि धार्मिक स्थानों और बड़े नगरों में भीख मांगने की जरूरत न पड़े। आप इस पावन पुनित कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार सहयोग कर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। समर्पण चिकित्सा केंद्र में एक दिन की चिकित्सा के लिए सहयोग 5100 रुपए, उत्कर्ष बाल उपवन में एक वर्ष की शिक्षा के सहयोग के लिए प्रतिवर्ष 31000 रुपए, उत्कर्ष बाल उपवन में एक वर्ष की उच्च शिक्षा के लिए सहयोग 72000 रुपए, मासिक शुभ चिंतक सदस्य 5100 रुपए, ट्रस्ट का हित चिंतक सदस्य 5100 रुपए, ट्रस्ट का संरक्षक 51000 रुपए। वस्तु दान के रूप में स्कूल ड्रेस, बैग, कॉपीज, कोर्स की किताबें, दवाइयां, पट्टियां इत्यादि, चेक डीडी समर्पण फाउंडेशन के पक्ष में ही भेजें। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा प्रीत विहार दिल्ली, अकाउंट नंबर 12002151020697, IFSC कोड ORBC01012000, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 03001007910, IFSC ICICI 00003 0, ब्रांच आनंद विहार दिल्ली। ट्रस्ट को प्रदान की जाने वाली राशि आयकर की धारा 80G(5) और 6 के अधीन कर मुक्त है। मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुर्महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादौ धर्मकामार्थसिद्धये। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थां गतो वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शिवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओं पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओं पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुनातु पुण्डरीकाक्षः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। हाथ में पुष्प ले लेंगे सभी लोग। बड़े प्रेम से पंच देवताओं का ध्यान करेंगे, साथ में माँ सरस्वती जी का, श्री हनुमान जी महाराज का। हरि ओम गणावनांतवा गणपति गुं हवा महे प्रियावडांतवा प्रियपति गुं हवा महे। श्रीमान नितिन मलिक जी मुजफ्फरनगर से पधारें, आप भी मंचासीन हो जाएं, मंच पे पधार जाएं। अम्बे अम्बिके बालिके नवानयति कश्चन सुसति स्वगः सुभद्रिकां कौमुदीलवासिनीं।
इदं विष्णुर्विचक्रमेन्द्र निदेवतम समूढ़मसी वाग्सुरे स्वाहा श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम ईश्वरन्निखाडा मुम्बैखाड सर्वलोकम वैखाड नमः शंभवाय च मयोद्भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च गुरुदत्त अरुणा जी भी मंच पे पधार जाए। वर्तमानो निवेशयन्न व्रतं व्रतञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवना निवसयन्न उग्रश्च भीमस द्वान्तस दुनिस्तासहमांश्च भीगुवाच विक्षिपः स्वाहा पावकानः सरस्वतीर्बाजेभिर्वाजिनीमती जग्निमष्टोद्धिया वसुः ध्यानम ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बाध्यो बाध्यम अस्त्रोर्गमुखे आचमनीयम सर्वांगे सुस्नानीयम जलम समर्पयामि एतावान शमहिमातो जायांश्च पूरुखः पादोऽसि विश्वाभूतानि त्रिपादशा मृदं दिवि चन्दनम त्वां गन्धर्वा अघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौघदेशोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्युत चन्द्रान् विलिप्रं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पं पुष्मालाम् ओघदीः प्रतिमोदध्वं पुष्पपतिः प्रसूवरीः अश्वा इव सचत्वरिर्भिरुधावारिश्रमः पुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पं पुष्मालाम् समर्पयामि श्री साकेत मिश्रा जी उमंग सिंह जी और कुशीनगर जी आपसे भी प्रार्थना है उमंग सिंह कुशीनगर के रहने वाले हैं मनसा परिकल्पे धूपम दीपम समर्पयामि हस्तौ वृक्षालनम नैवेद्यम बृदो निधाय नैवेद्यम निवेदयामि ओम नाभया आसेदंतरिक्षगों शेरस्नौर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अगल्वयन् आइए भगवान की इस पावन कथा के अमृत रस का पान करने हेतु सबसे पहले मंगलाचरण करने का विधान रहता है और आपसे निवेदन है कि आपके पास जो पत्रक है उसमें मंगलाचरण लिखा है पत्रक एक बार फिर से बंटवा देंगे ऐसा निवेदन है कार्यकर्ताओं से। राजन जी चिंता कर लें जरा कमर सीधी करने रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम् आदितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्तेषां च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली रज राम चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनाउ रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार मोषम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दार जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वार। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु शुद दशरथ अजर बिहारी प्रभु शुद दशरथ अजर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जहि विधिनाथ हो यहित मोरा 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 करहु सुबेग दास मैं तोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा दीन दयाल बीरद संभारी दीन दयाल बीरद संभारी दीन दयाल बीरद संभारी दीन दयाल बीरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सादर शिवही नाई अब माथा सादर शिवही नाई अब माथा वरना बिशद राम गुण गाथा वरलहु बिशद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन षडानन माता जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता जगत जननी दामिनी दुति गाता राम कथा कली कामद गाई राम कथा कली कामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी सादर शिवई नाई अब माथा सादर शिवही नाई अब माथा वरनहु बिशद राम गुण गाथा वरनहु बिशद राम गुण गाथा सादर शिवही नाई अब माथा सादर शिवही नाई अब माथा बोले श्री गणेश जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय आज के आनंद की जय सब संतन की जय सब देवन की जय गंगा मैया की जय गौ माता की जय भारत माता की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव एक बार पुनः आप सबको राम राम करते हुए कल हम लोगों ने यहाँ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मानसिक रूप से सब लोग अयोध्या चलें, अवधपुरी जहाँ भगवान का जन्म हुआ है। भारतवर्ष में मनुष्यों की पहली राजधानी, मनु महाराज ने जिस स्थान को अपनी राजधानी बनाया वो अयोध्या। प्रथम मनवंतर के प्रथम मनु जिनके पुत्र प्रियव्रत हुए, जिनके पुत्र उत्तानपाद हुए, जिनके पौत्र के रूप में ध्रुव का जन्म हुआ, वो अयोध्या के ही थे। इसलिए अयोध्या भारत की प्रथम मोक्षदायक पुरी है।
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती ध्येया सप्तईता मोक्षदायक है। पहली पुरी कौन है? अयोध्या। चूंकि ये बिल्कुल कथा की शुरुआत का समय है, सबसे शुरुआत में सबसे गंभीर श्रोता जो एक क्षण की भी कथा नहीं छोड़ना चाहते वो सब उपस्थित रहते हैं, तो इसलिए मैं सबसे गंभीर विषय की चर्चा आपसे कर रहा हूं। अयोध्या की विशेषता देखिए कि परमात्मा के अब तक जितने भी अवतार पृथ्वी पर हुए उसमें सबसे लंबे समय किस शहर में भगवान रहे, इस पर अगर आप चिंतन करेंगे तो सबसे लंबे समय परमात्मा का निवास अयोध्या जी में रहा। मथुरा में भगवान लगभग 17 वर्ष रहे, 17 ईयर्स। जन्म लेते ही गोकुल में चले गए, वृंदावन चले गए, 5 साल गोकुल में, 7 साल वृंदावन में, 12 साल 56 दिन की आयु में आके कंस को मारा, फिर 17 वर्ष मथुरा रहे, तो 29 वर्ष की आयु में फिर द्वारिका चले गए, फिर 97 ईयर्स लगभग द्वारिका रहे, तो 17 वर्ष मथुरा जी को परमात्मा का चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। बाकी भगवान के जो अवतार हुए, जिस समय 12 अवतार हुआ उस समय कोई शहर था नहीं, क्योंकि पृथ्वी को ही निकाल के उन्होंने स्थापित किया। नरसिंह अवतार हुआ तो कुछ घंटे को हुआ, वो तो आए और हिरण्यकश्यप का ऑपरेशन किया और प्रहलाद को बिठाया, गए शपथ ग्रहण कराते ही चले गए। भगवान वामन भी वन में आश्रम में उनका जन्म हुआ और बलि की यज्ञशाला सीधे पहुंचे, विराट रूप में परिवर्तित हुए और गए। परशुराम जी जरूर चिरंजीव हैं, जो सबसे लंबे समय तक पृथ्वी पर हैं, ही इज स्टिल अलाइव, चिरंजीव हैं, लेकिन परशुराम जी को शहरी जीवन पसंद नहीं है, वो इको फ्रेंडली हैं। परशुराम जी के गुरुकुल सदैव वन में होते हैं, अभी भी वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर जो महेंद्र पर्वत है उस पर निवास करते हैं। आपको कभी देखना हो तो आप देखकर आइए, बहुत प्यारा पर्वत है। महाशिवरात्रि से 4 दिन पहले वहाँ बहुत बड़ा मेला पूर्ण होता है एकादशी पर, फिर वहाँ कोई नहीं रुकता, 6 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई है, उसके बाद वहाँ परशुराम जी आते हैं। द्वादशी को भयंकर तूफान आता है और त्रयोदशी को शिव तेरस पर परशुराम जी अभिषेक करते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन वो किसी शहर में नहीं रहे कभी। फिर राम जी हुए, राम जी अयोध्या में 10,000 वर्ष शासन किए। अयोध्या से बाहर उनका लगातार समय 14 साल बीता कैकेयी के वरदान के कारण, बाकी बाहर जाते होंगे, सप्त भूमंडलों पर उन्हीं का शासन था, सप्त महाद्वीपों पर, तो यात्रा करने जाते होंगे, जैसे मोदी जी विदेश जाते हैं फिर आते हैं, जाते हैं आते हैं। फिर कृष्ण हुए, 17 वर्ष मथुरा रहे, 97 वर्ष द्वारिका रहे, उसके बाद कल की भगवान होंगे तो कलयुग की तो उम्र ही 100 वर्ष है मुश्किल से। तो सबसे लंबे समय परमात्मा का सानिध्य जिस पुरी को प्राप्त हुआ वो अवधपुरी है। अयोध्या में भगवान का जन्मोत्सव कल हमने मनाया, आइए बहुत प्रेम से मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप अयोध्या चलें। सूर्यवंश की नगरी, चंद्रवंश की नगरी मथुरा, सूर्यवंश की नगरी अयोध्या। अवधपुरी की शोभा इतनी प्यारी है, गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी भगवान के जन्म पर राजा दशरथ ने तो बहुत बड़ा संकल्प किया कि मेरे राज्य में कोई भी याचक नहीं रहेगा, लेकिन और लोगों ने भी कुछ किया कि नहीं किया? गोस्वामी जी ने कहा, भैया मैंने लिस्ट बनाने की कोशिश तो की लेकिन मैं बना नहीं पाया। क्यों? बोले जिसके पास जो था उसने सर्वस्व दे दिया, जिसके पास जो था। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान
दिन सबका हो। जो पावा राखा नहीं ताहो, जे पावा राखा नहीं ताहो। अवधपुरी सोहे यही भांति, अवधपुरी सोहे यही भांति। प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जिसके पास जो था उसने सर्वस्व दान दे दिया कि परमात्मा मिल गए अब मुझे क्या चाहिए। लोगों ने कहा गोस्वामी जी वहां के पंडित तो मालामाल हो गए होंगे। जब लोगों ने अपना सर्वस्व दान दे दिया, भाई आप दान किसे देंगे? जो दान लेगा। ब्राह्मणों का स्वाभाविक धर्म है दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, है ना, ये स्वाभाविक कर्म है। तो गोस्वामी जी ने कहा यही तो चमत्कार था, दिया गया परंतु लिया नहीं गया। यही पावा राखा नहीं ताहू, उसने भी अपने पास नहीं रखा। बोले फिर कहां गया? बोले समर्पण फाउंडेशन को दे दिया। भाई उसने जो दिया उसको जो मिला वो भी उसने कहा भाई भगवत कार्य में जाने दो, भगवत सेवा में जाने दो। तो जिनको दिया उन्होंने कहा भाई हमको क्यों विक्षेप कर रहे हो, हमें भी मायापति के चरणों में रहने दो, माया के चक्कर में कहीं फंसा रहे। ऐसा सुंदर अवध में उत्सव, जन जन के मन में परमात्मा की ऐसी भक्ति। बंधुओं राम जी को कितना प्रेम करते हैं अयोध्या के लोग। देखिए इधर जो इधर एक कहावत चलती है बधाई लुटाओ लुटाओ, लुटे रहे हो क्या? आप लुटाने वालों से पूछो भाई क्या क्या संस्कार दे रहे हो, लूटना क्यों सिखा रहे हो? सरकार लूटने को खत्म करने पर कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं लूटने नहीं दूंगा, और कथाओं में क्या भाई संस्कार दे रहे हो? लुटाओ, लुटाया किसे जाए भाई? ये सब इधर ही चक्कर है, उधर बहुत मर्यादा है अयोध्या साइड में, वहां लुटाने का शब्द प्रयोग नहीं करते। लूटना लाटना सब इधर ही है। आप प्रसाद पे देखो, आप यहां तो खैर सब बहुत अच्छा है लेकिन प्रसाद पे देखो, इतनी शांति से बैठकर भगवान के नाम की माला जपेंगे और प्रसाद पर होम मारा मारी होगी। धैर्य। यहां जब बधाई गाई जाएगी तो क्या गाएंगे? लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे। और अयोध्या में क्या हुआ? भर भर थारी सखियां लाई कौशल्या मैया को देने बधाई। यहां लेने का चक्कर है, वहां देने का चक्कर है। भगवान के जन्म पर इतना आनंद। आइए अवध की भाषा में कल हम गाना चाहते थे तो ऊपर पंखा तेज था इसलिए डायरी के पन्ने फड़फड़ा रहे थे तो मिला नहीं था, आज शायद मिल गया होगा। तो अवध की भाषा में, वैसे तो आप बहनों में से भी काफी संगीत में विद्वान हैं, आप में से कोई बधाई के दो चार पंक्ति गाएंगे? भगवान को भी लगेगा भाई शादरा वालों ने भी बधाई गाई हमारे जन्म की, कोई गाएंगे? गाएं तो हाथ खड़ा कर दीजिए। जी ताऊ जी गावेंगे? अच्छा हाँ हाँ, भाई साहब को माइक देना, आ जाओ जी इधर आ जाओ। भाई ताऊ जी खड़े हो गए, अब कोई बुआ जी भी गा लो भगवान की। भाई सबसे ज्यादा खुशी लड़के के जन्म में
बुआ कोई हो नेक मिले, लड़का हो जाए फिर देखो, और लड़की हो जाए तो बुआ और दादी का चेहरा देखो, दोनों के चेहरे बारह बज जाएं। पूछा क्या हुआ तो बोले ही ना, भाई साहब खड़े हुए हैं, देखिए बधाई के दो चार पंक्ति गाएंगे, आप इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाना है। बोलिए श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए गुंडे भगवान की जय। जन्म लिए रघुराई अवतन पाके बधाई, बधाई जन्म लिए रघुराई अवध में बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे शहनाई, जन्म लिए रघुराई अवध में बाजे बधाई, जन्म लिए रघुराई अवध में बाजे बधाई। टेम्पो हाई, जय हो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार तालियां, ताऊ जी का टेम्पो हाई, बहुत अच्छा। भगवान आपको शतायु करें। कोई बुआ तो नहीं गाएंगे? अच्छा ठीक, हाँ जी अवध में। अयोध्या में राम जी जन्म ले, महलिया उठे सोहर, महलिया उठे सोहर हो, ए ललना घरे घरे बाजेला बधैया, अंगनवा होला सोहर हो, ए ललना घरे घरे बाजेला बधैया, अंगनवा होला सोहर हो। अयोध्या में राम जी जन्म ले, महलिया उठे सोहर, महलिया उठे सोहर हो, ए ललना घरे घरे बाजेला बधैया, अंगनवा होला सोहर हो, ए ललना घरे घरे बाजेला बधैया, अंगनवा होला सोहर हो।
राजा लुटावे अन धन सोनवा तरानी धेनु गैया न हो। राजा लुटावे अन धन सोनवा तरानी धेनु गैया न हो। ललना कके लुटावेली कंगनवा सुमित्रा रानी सोहर हो। ललना कके लुटावेली कंगनवा सुमित्रा रानी सोहर हो। देवता तनुज फूल बरसावे दर्शन पावे ले हो। देवता तनुज फूल बरसावे ले दर्शन पावे ले हो। ललना नाचे गावे भाट पवरिया महलिया उठे सोहर हो। ललना घरे घरे बाजेला बधैया अंगनवा होला सोहर हो। सखी सब सोहर गावेली हरि सुख पावेली हो। सखी सब सोहर गावेली हरि सुख पावेली हो। ए ललना राम जी के भइले जन्मवा महलिया उठे सोहर हो। ए ललना राम जी के भइले जन्मवा महलिया उठे सोहर हो। अयोध्या में राम जी जन्म ले महलिया उठे सोहर महलिया उठे सोहर हो। ललना घरे घरे बाजेला बधैया अंगनवा होला सोहर हो। ललना घरे घरे बाजेला बधैया अंगनवा होला सोहर हो। ललना घरे घरे बाजेला बधैया अंगनवा होला सोहर हो। बोलिए चारों भैयन की जय, तीनों मैयन की जय। बहुत सुंदर, बधाई के साथ ही कल का कथा का विराम हुआ, बधाई के साथ ही आज की शुरुआत हुई। चूंकि भगवान के जो सहस्त्र नाम हैं उनमें से उनके चार नाम हैं नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगला। जहाँ नित्य आनंद है, नित्य सुख है, नित्य उत्सव है, ऐसे हमारे भगवान। पूरी अयोध्या में आनंद है। भगवान शिव स्वयं परमात्मा का दर्शन करने आए हैं। समस्त देवता विविध रूप धारण करके आए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान भोलेनाथ भी दर्शन करके गए हैं। और बड़ा पावन वो प्रसंग है। भगवान शिव ने पार्वती माँ को सुनाते हुए कहा कि देवी, मैं आपसे बिना बताए चोरी से गया था। आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपसे जीवन में एक बार चोरी की, और वो भी तब की जब मैं श्री राम के दर्शन करने गया। अब देखिए, जो आप में से जो लोग कल नहीं आ सके थे वो फिर से भगवान शिव के साथ अयोध्या चलें, चूँकि भगवान शिव जिनको इष्ट मानते हैं वो परमात्मा का बाल रूप है। और आप में से जितनी खासकर मातृशक्ति की बहनें बैठी हैं वो घर घर में लड्डू गोपाल जी को तो आपने देखा होगा। लड्डू गोपाल जी की जो पूजा है ये बाल रूप की उपासना है परमात्मा की। और कोई भी पद्धति तभी शुरू होती है जब कोई बहुत बड़ा आचार्य, कोई बहुत बड़ा महापुरुष उसको शुरू करता है। तो बाल रूप की जो उपासना प्रारंभ हुई है हमारे देश में, उसको प्रारंभ करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं, क्योंकि उनके इष्ट भगवान के बाल रूप हैं। बंद हूँ बाल रूप सोई रामू, बंद हूँ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ ज
जपत जे ही नामु सब सिद्धि सुलभ जपत जे ही नामु मंगल भावन अमंगल हारी मंगल भावन अमंगल हारी उमा सहित जेही जपत पुरारी उमा सहित जेही जपत पुरारी बंदहु बाल रूप सोई रामो बंदहु बाल रूप सोई रामो। मैंने कल भी निवेदन किया था कि परमात्मा से जब कोई भावनात्मक संबंध आप जोड़ते हैं तो ये मूर्ति पूजा दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक है परमात्मा को प्राप्त करने की। देखिए जितने भी उपाय बनाए गए हैं, चाहे आप निर्गुण को माने, सगुण को माने, चाहे आप ध्यान करें, पूजा करें, माला जपें, यज्ञ करें, आरती करें, स्नान करें, परिक्रमा करें, जो भी आपको करना है, जितने भी साधन पूरे संसार में हैं, उनका लक्ष्य क्या है? कभी आपने सोचा उनका लक्ष्य क्या है? उनका एक ही लक्ष्य है, क्या? जह लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। फल क्या है? परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना। भक्ति माने परमात्मा से अपना भाव जुड़ जाए। भाव को जोड़ने की जो शक्ति है उसका नाम भक्ति है, उसी को राधा कहते हैं। अब हम जितने भी लोग हैं, एक नारा हमने सुना होगा, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम कहाँ है, राम कहाँ है? आपके अंदर ही तो बैठे हैं, अंदर ही तो है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। जब अंदर राम बैठे हैं और राम सच्चिदानंद हैं, श्याम सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, तो जब अंदर ही बैठे हैं तो फिर मिल क्यों नहीं रहे? फिर लोग दुखी क्यों हैं? आप जिससे भी चर्चा करेंगे वो दुख की चर्चा करेगा। आपको लगेगा सकल जीव जग दीन दुखारी, पूरी दुनिया में दुख ही दुख है, दुखालयम। अब भगवान सबके अंदर है, सब परमात्मा के अंश हैं, तो लोग दुखी क्यों हैं? जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा, लोग दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा सीता जी नहीं है इसलिए दुखी हैं। अकेले राम जी होंगे ना तो मिलेंगे ही नहीं, जानकी जी तो मिलवाएंगी राम जी से, राधा जी तो मिलवाएंगी श्याम जी से। तो जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। आत्मा में राम तो है लेकिन जब तक सीता जी नहीं आएंगी तब तक जिंदगी में शांति आने वाली नहीं है। इसलिए पहले उनका नाम लिया जाता है, पहले राम सीता का जब थोड़ी करते, सीताराम 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 राधेश्याम राधेश्याम। माँ है ना, पहले बच्चा माँ के गर्भ में आएगा, माँ ही तो पिता से मिलवाएगी। ये भक्ति, तो भक्ति की जो शक्ति है, भगवान से जो संबंध है, तो मूर्ति पूजा में यह विशेषता है कि मूर्ति पूजा आपकी भावना को कई गुना बढ़ा देती है। जैसे आप लड्डू गोपाल जी रखें तो लड्डू गोपाल जी को जाड़ा लगेगा ये सोच के आप जाड़े में उनको गुनगुने पानी से स्नान करवाएंगे, उनको भूख लग रही है तो आप 10 बार दूध का भोग लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यानी आपकी परमात्मा के प्रति भावना बढ़ गई। तो जितनी भी टेक्निक्स बनाई गई हैं, जितने भी तरीके बनाए गए हैं साधना के, वो सब इसीलिए बनाए गए हैं कि भगवान से आपकी भावना जुड़े। तो सबसे निष्काम भाव कब होता है? सबसे
मन में प्रेम किसके प्रति होता है? जो घर में छोटा बच्चा होता है ना, जो घर में छोटा बच्चा होता है उससे आपकी अपेक्षा नहीं होती कोई, बड़े आदमी से अपेक्षा होती है। आप कितना भी किसी से प्रेम करें अगर वो आपकी बात ना माने, आपकी अपेक्षा पूरी ना करे तो आप दुखी हो जाते हैं। भाई दुख आदमी को कब होता है? अपेक्षा की उपेक्षा से दुखों की उत्पत्ति होती है। आप अपने बेटे को कितना प्रेम करते हो, बेटा आपकी बात ना माने तो आप दुखी, पति ना माने तो दुखी, पत्नी ना माने तो दुखी, भाई ना माने तो दुखी। लेकिन जब छोटा बच्चा है 6 महीने का, उससे आपकी कोई अपेक्षा नहीं है, वो तो लात भी मार रहा है तो भी खुश हो रहे हैं माँ बाप, वो आपकी गोदी में नंबर एक कर रहा है, गीला कर रहा है तो भी खुश हो रहे हैं। और दादा बाबा दादी को तो इतना आनंद आ जाता है अगर दादा की गोद में उनका पौत्र नंबर एक कर दे, तो ऐसा लगता है जैसे तीर्थराज प्रयाग में स्नान हो गया हो। हमारे यहाँ कहावत है, पौत्र का मूत्र प्रयाग का पानी, बराबर। छोटे बच्चे के प्रति जो लाड़ है, इसलिए परमात्मा के छोटे स्वरूप को इष्ट मानना, बाल रूप को इष्ट मानना, क्योंकि उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, उनको केवल लाड़ करना है। इसलिए ये पद्धति भगवान शिव ने प्रारंभ की है, बाल रूप की उपासना, जो अभी आपने चौपाई गाई, बंदौ बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जेहि नाम। और उनका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर कागभुसुंड जी को लेकर नीलगिरी पर्वत से सीधे अयोध्या आए हैं। भगवान शिव एक बूढ़े पंडित जी के वेश में, कागभुसुंड जी उनके चेले के वेश में अयोध्या पधार रहे हैं। यू आर ऑल्सो वेलकम, आप उनके साथ अयोध्या चलें कौशल्या माँ के पास। कागभुसुंडी संग हम दो, कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, बीतिन फिरही मगन मन भूले, बीतिन फिरही मगन मन भूले, कागभुसुंडी संग हम दो, कागभुसुंडी संग हम दो। कागभुसुंड जी महाराज 27 कल्पों से पृथ्वी पर तप कर रहे हैं, आप समझते हैं कितने पुराने हैं वो। 27 कल्प का मतलब समझते हैं, अगर नई पीढ़ी के साइंस के बच्चे हिसाब लगाना चाहें तो मैं उनको निवेदन करूंगा कि ब्रह्मा जी के एक कल्प में 1000 करोड़ वर्ष बीतते हैं, अगर आप हिसाब लगाना चाहें तो। एक मनमंत्र में 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग घूमते हैं, इसको एक सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के एक बार घूमने को एक चौकड़ी कहते हैं। तो 71 चौकड़ी जब घूमती हैं तब एक मनमंत्र पूर्ण होता है, और 14 मनमंत्र पूर्ण होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। ये लगभग 500 करोड़ वर्षों का होता है, और उतने ही लंबे समय तक महाप्रलय का जल भरा रहता है, लगभग 500 करोड़ वर्षों की रात्रि होती है, फिर ब्रह्मा जी का दूसरा दिन प्रारंभ होता है जिसको कल्प कहते हैं। तो पिछले 27 कल्पों से कागभुसुंड जी पृथ्वी पर हैं। यहाँ बिसत मोहि सुन खग ईशा, बीते कल्प सात और बीशा। वो अयोध्या में एक बार आते हैं कल्प में, जब भगवान राम का अवतार होता है। बंधुओं, भगवान शिव अयोध्या पधारे और दशरथ जी के महल में दर्शन करने गए, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, क्योंकि तभी तभी धारा 370 हटी थी, तो सब जगह जरा चौकसी ज़्यादा थी। राजा दशरथ के समय भी आप जानते हैं कितना तगड़ा आतंकवाद चल रहा था, बड़े बड़े आतंकवादी ताड़का मारी सुबाहू तमाम आतंकवादियों के ग्रुप सक्रिय थे।
तो राजा दशरथ ने कहा देखो भाई मेरे घर जो बच्चे हुए हैं ना ये मेरे भाग्य से नहीं हुए, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे भाग्य से होते तो पहले हो जाते, ये तो मेरे अयोध्या के लोगों ने जो मेरे लिए जप तप किया, प्रार्थना की, उनकी प्रार्थनाओं से हुए, इसलिए किसी को रोकना नहीं, लेकिन आधार कार्ड आईडी वगैरह सब ठीक से चेक करना, ये भी चेक करना कि कोई हथियार वत्यार ना छुपा लाया हो। तो चेकिंग बहुत तगड़ी थी। अब भगवान शिव के पास आधार कार्ड था नहीं, अब इनके आधार कार्ड सबके बन रहे थे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, जो संत लोग आए हुए थे वहां, ये जा नहीं रहे थे क्योंकि पहचाने जाएंगे, वशिष्ठ जी की आंखों से कैसे बच सकते हैं, वो तो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो इन्होंने जुगाड़ करने की कोशिश की, प्रवेश नहीं हुआ, तो कुछ पैसे वैसे भी देने की कोशिश की, लेकिन उस समय जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा नहीं, हम ये काम तो कलयुग में किया करेंगे, अभी तो नहीं लेंगे। तो किसी ने कुछ लिया नहीं, प्रवेश हुआ नहीं। भगवान के दर्शन की इतनी तीव्र लालसा है भाई साहब। देखिए आपके अभी आप कथा सुन रहे हैं, मैं भी कथा कह रहा हूं, ठीक है आप कथा सुन के आनंद लेते हैं, लेकिन आपके हृदय में परमात्मा को पाने की इच्छा कितनी है ये पता लगता है आपके आंसुओं से। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति तीव्र भावना होती है वो परमानंद में झूमता हुआ, जैसे चैतन्य महाप्रभु परमानंद में डूब जाते थे, महाभाव जिसको कहते हैं, आंखों से आंसुओं की धारा झड़ती थी जब वो एक बार बोलते थे हरि बोल, तो किलोमीटरों के जीव जंतु सब पूरी प्रकृति मगन हो जाती थी। जब मीरा गाती थी, मीरा तो आंसुओं की झील है, जितने आंसू इस कलयुग में मीरा ने बहाए शायद किसी ने नहीं बहाए होंगे। तो आंसू ऐसे नहीं आता, आंसू आता है आपके विचारों से, आपके दिल से, आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से, और कतरा कतरा होकर निकला दिल हमारी आंख से। जिसकी जितनी तीव्र लालसा होती है उसके उतने ही तीव्र आंसू होते हैं। भगवान शिव तो बहुत भाव से आए हैं, इसलिए जब प्रवेश नहीं हुआ तो सरयू के किनारे बैठकर ऐसी आंसुओं की धारा बही, कहा प्रभु आपके धाम में आके बिना दर्शन किए इधर भगवान शिव रोए तो उधर भगवान राम रोए। कौशल्या मैया की गोद में भगवान श्री राम ने रोना शुरू किया। अब कौशल्या मैया तो घबरा गई, मैया मैया ले लो लाला को, ले लो, हाँ ले लो, शर्मा काई को रही है तुम्हारा ही तो है। व्यासपीठ की ओर बढ़ रहा है। कह रहा है मैं कथा कहूंगा, आगे चल के इसे महाराज बनाना। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, बंद हूँ बाल रूप सोई रामू, बंद हूँ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जे नामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जे नामू, काग भुषुंडी संग हम दो, काग भुषुंडी संग हम दो। भगवान शिव के आंसुओं की धारा, भोलेनाथ तो भोलेनाथ, भोला उनका हृदय। सरयू के किनारे बैठकर जब रोए तो कौशल्या माँ की गोद में राम जी इतना जोर से रोए, मैया घबरा गई, अभी अभी तो पेट भर के दूध पिलाया,
बच्चा भूखा होता है तभी रोता है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोले बिल्कुल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं माँ, फिर क्यों रो रहे हैं? डॉक्टर ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो एक बहुत बूढ़ी पंडितानी से पूछी, अम्मा जी आप बताओ। अम्मा जी ने कही कि इनको कोई नजर लगी है, और नजर भी सामान्य नहीं है, कोई टोना टोटका करने वाले की नजर इनको लग गई है। और ये ऐसे नहीं उतरेगी। अब आप जानते हैं कि माताओं को नजर की बड़ी चिंता रहती है, इसलिए माताएं अपने बच्चे को काला टीका, काला धागा, काला वो सब लगाए रहती हैं। ये वो सही करके लाई है, ये तो पूरे काले कपड़ा ही पहना लाई है, या हमारे नजर न लगे। अच्छा देखिए, नजर जो है ये अखिल भारतीय चीज है, भारतीय संस्कृति जहां भी है वहां आपको नजर मिलेगी। आप बर्मा चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, नेपाल चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, पूरे इस भारतीय उपमहाद्वीप में माताएं अपने बच्चों को काला धागा या काला टीका लगाती हैं। ये संस्कृति है, ये संस्कृति है। संस्कृति बहुत गहरी होती है, सभ्यता बदलती रहती है 200-400 साल में, फैशन तो हर साल बदल जाते हैं, लेकिन ये संस्कृति जो होती है, और खासकर माताएं अपने संस्कार नहीं छोड़ती। जैसे बच्चे की छठी मनाना, ये माताओं का संस्कार है। अब किसी वेद में नहीं है, 16 संस्कारों में नहीं है, लेकिन माताएं बच्चे की छठी मनाती हैं, और केवल हिंदुओं में नहीं मनाती, मुसलमानों में भी मनाती हैं, ईसाइयों में भी मनाती हैं, बच्चे की छठी माताएं मनाती हैं। क्योंकि पूजा पद्धति तो अभी बदली कुछ साल में, संस्कृति तो लाखों साल पुरानी है। जैसे बिछुए पहनना, ऐसे चूड़ी पहनना, अपनी कल्चर है। तो आप किसी भी धर्म में चले जाइए, सब जगह, क्योंकि हैं तो सब पुराने वही, अपने ही तो हैं, पराये कौन है। शादी में जीजा जी के जूते चुराना, नेक लेना, तो ये संस्कृति है। पूरे देश में आप चले जाइए, कहीं भी किसी भी धर्म में चले जाइए, और नजर लग गई। अब कौशल्या मैया तो बहुत सीधी हैं, किसी को कुछ बोलती नहीं। कन्हैया को जब नजर लगती थी ना ब्रज में, जब कन्हैया को नजर लगती थी तो यशोदा मैया पूरी ब्रज गोपियों को गाली देती थी, और कहती थी कि मेरे तो बुढ़ापे में एक भय है, वाहुए नजर लगा दें, अपने 10-10 भय हैं, और मेरो एक है तो वाहुए नजर लगा दें। तो बड़ा सुंदर एक नजर का गीत है, भगवान को नजर लगी है, और अयोध्या में इस समय नजर उतारी जा रही है। इतना नमक उतार उतार के भगवान के ऊपर कुएं में डाला जा रहा है कि कुएं का पानी खारा हुआ जा रहा है। जब तक नजर उतरे तब तक हम लोग एक भगवान की नजर का गीत गा लेते हैं बड़े प्रेम से। एक काहू सी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहू सी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहू सी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहू सी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। जय हो। बहुत अच्छे। देखो भैया, जब जन्म होता है ना लड़के का तो कई दिन तक ढोलक बजती है, इसलिए 2-4 बधाई तो होंगी, थोड़ा ताली बजा के भाव से। कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे शोक सभा में आए हो। अरे भैया चैतन्य है, जाओ, भगवान आए गए हैं। जय हो।
काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना भूल गई मैंने दियो नया के 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 माथे बीच ढिटोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना सबकी ताली भाव से दूध ना पीबे लाला दही ना खावे लेत ना माखन लोना दूध ना पीबे लाला दही ना खावे लेत ना माखन लोना रोए रोए रुदन करे मेरो बारो रोए रोए रुदन करे मेरो बारो रोए रोए रुदन करे मेरो छोना रोई रोई रुदन करे मेरो छोना और इधर बागपत और मेरठ में क्या बोलते हैं रोए रोए रुदन करे मेरो जातक रोए रुदन करे मेरो जातक तोड़ दियो री खिलौना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना काउसी ने मार दियो री मेरो मचलो श्याम सलोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना मने करी समझायो श्याम मैंने सखियन संग नाचो ना मने करी समझायो श्याम मैंने सखियन संग नाचो ना इन गोपिन की नजर बुरी है इन गोपिन की नजर बुरी है ब्रजवासिन की नजर बुरी है ब्रजवासिन की नजर बुरी है हम चल गयो मेरो छोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना ए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे काहू सीने मार दियो री टोना मेरो मछलो श्याम सलोना काहू सीने मार दियो री टोना मेरो मछलो श्याम सलोना मेरो मछलो श्याम सलोना मेरो मछलो श्याम सलोना बल बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान को नजर लगी और ये घोषणा हो गई कि नजर कोई टोना टोटका वाली नजर है, सामान्य नजर होती तो नमक से उतर जाती, मिर्च से उतर जाती, एक राई से भी उतरती है और किसी चीज से भी नजर उतरती है जी, मिर्ची, नमक, मिर्च, राई, इसके अलावा मेरी माँ हमेशा मेरी नजर चप्पल से उतारती थी। एक पुरानी सी चप्पल खोज के कहीं घर में से, बहुत बेकार सी सूखी साखी सी चप्पल, फिर सिर के ऊपर घुमा के ऐसे 5-6 बार फिर जमीन पे पटकती थी। अब जो जिसको समझ में आ जाए, जिसकी नजर जिस विधि से उतर जाए, भगवान को नजर लग गई तो फिर बूढ़ी पंडितानी जी से पूछा कि अम्मा जी कैसे उतरे कि, बोले सरयू के किनारे के कोई सिद्ध महात्मा आवे वो उतार सकते हैं। तो सरयू के किनारे सिद्ध महात्मा को बुलाने भेजे गए राजदूत। शंकर जी तैयार बैठे ही थे, बोले पंडित जी क्या क्या जानते हो? बोले सब जानते हैं, तुम्हें क्या करवाना है बताओ। बोले नजर उतरवानी है। नजर उतारेंगे आप? बोले उसी में तो हम एक्सपर्ट हैं, हमारे पास ऐसी तीसरी नजर है कि जिसकी ओर खोल देना मर्ज बचे ना मरीज। भगवान शिव का प्रवेश हुआ, कौशल्या मैया की गोद में राम लला हैं, आंचल से ढके हुए, भगवान शिव की आंखों से आंसू है, भगवान जोर से रो रहे हैं। मैया ने कहा बाबा देखो लाला को कैसी नजर लगी, कितनी देर से रो रो है। भगवान ने कहा एक सेकंड में नजर उतर जाएगी, लेकिन नजर से नजर तो मिले, अभी तो आपने ढका हुआ है, जरा चेहरे से आंचल हटाओ माँ, दर्शन कराओ लाला का, तो मैं देखूं नजर कहां लगी है। और जैसे ही आंचल हटाया, श्री राम और शिव की निगाहें मिली, भगवान भोलेनाथ ने अपने इष्ट को देखा, भगवान राम ने अपने इष्ट को देखा, क्रिया बदल गई, प्रभु रो रहे थे, खिलखिलाकर हंस पड़े और भोलेनाथ की आंखों से झरझर आंसुओं की धारा प्रारंभ हो गई। अपने इष्ट को देखते ही आनंद में डूब गए। मैया ने तो मत्था टेक दिया चरणों में, बाबा आप तो बहुत सिद्ध हो, आपने मेरे लड़के की नजर एक सेकंड में उतार दी, अभी रो रहा था तुरंत हंसने लगा, थैंक यू वेरी मच बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो चाहिए मांगे। काकभूषणी जी ने कहा हमारे बाबा का छू लेत ना है, बहुत सिद्ध हैं। मैया ने कहा अच्छा बाबा कृपा बनाए रखें। मैया अंदर जाने लगी, अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अभी तो हमने गोदी में भी नहीं खिलाया, ये तो अंदर जा रही है। तो जाती हुई मैया से कहा सुनो मैया, आज तो मैंने आपके बेटे की नजर उतार दी, अगर कल इसको फिर से लग गई तो? बोले फिर आपको बुला लूंगी। अरे बोले मैया आज शाम की मेरी फ्लाइट है काठमांडू की, मैं आज शाम वापस जा रहा हूं, फिर आया नहीं आया। मैया ने कहा बाबा फिर कुछ ऐसा उपाय करके जाओ कि मेरे बच्चे को कभी नजर ना लगे। बाबा ने कहा सुनो मैया, अभी मैंने एक नजर आपके बेटे को देखा है, केवल देखा है अभी, अगर आप मेरी गोदी में इसको दे देंगी, एक बार अगर मैं इसको गोद में खिला लूंगा ना, जिंदगी भर इसको नजर नहीं लगेगी। मां को भरोसा तो हो ही गया था, मां को भरोसा तो हो ही गया था, लेकिन मां ने कहा बाबा आपके गले में जो नाग है ना,
बड़ो भयंकर नाग है। मेरा छोटो सो बालक अगर जरा सी नाग ने फुंकार मार दे, बाबा ने कहा मां भरोसा हो तो दो। देखिए मैया तो इतनी भोली है, ये भगवान जिन माताओं की गोद में आए हैं वो कितनी भोली माताएं हैं, मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कौशल्या मैया कितनी भोली। कौशल्या मैया ने कभी जिंदगी में किसी की निंदा नहीं की, यहां तक कि कैकेयी ने भी जब भगवान के वनवास का वरदान मांगा तो कौशल्या मां ने एक शब्द भी, इवन नॉट ए सिंगल वर्ड, कैकेयी के बारे में नहीं बोला, ना कभी दशरथ जी के बारे में बोला। इसलिए कौशल्या को रामायण में ज्ञान कहा गया है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो कभी किसी दूसरे को दोष नहीं देता, वो जानता है कि मेरे जीवन में जो भी है वो मेरे कर्मों का फल है, दूसरे का दोष क्या है उसमें। अच्छा, यशोदा मैया को आप देखिए कितनी भोली है। इतनी भोली यशोदा मैया है कि पूतना आई, एक अनजान स्त्री को अपने बेडरूम में अकेले छोड़कर यशोदा मैया उसके चाय पानी की व्यवस्था के कहने के लिए और रसोई में चली गई और पूतना को मौका मिल गया भगवान को जहर पिलाने का। यानी ये मैया इतनी भोली क्यों है? अगर ये भोली ना होती तो भगवान इनकी गोद में क्यों आते? भगवान तो भोले को ही मिले भैया, दुनिया भले ही उसे पागल कहे लेकिन भगवान तो उसे ही मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन। अच्छा, एक बात मैं और आपको विशेषता बता दूं कि जो स्वयं जैसे मन का होता है वो सामने वाले को भी वैसा ही समझता है। आप अगर स्वयं भोले हैं तो सबको भोला समझेंगे, आप स्वयं कुटिल हैं तो सबको कुटिल समझेंगे। तो यशोदा मैया जैसे मन की वैसे उन्होंने पूतना को समझा, कौशल्या मैया जैसे मन की वैसे उन्होंने सबको समझा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कौशल्या मैया इतनी सीधी है, उन्होंने तुरंत भगवान को दे दिया गोदी में। भगवान शंकर के गले में नाग देवता ने फन काढ़ा तो मैया की आंखें बंद है गई डर के मारे। भगवान ने कहा मैया घबराओ नहीं, मेरा नाग आपके बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है, देखो इसके सिर पर छत्र बना रहा है। मैया ने आंखें खोली, भोलेनाथ का नाग भगवान के माथे पर सिर पर छत्र बनाता हुआ, भोलेनाथ ने कहा, नाग घोषणा कर रहा है, तेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा छत्रपति सम्राट होगा, दुनिया में सबसे शानदार इसका शासन होगा। काकभूषण जी ने कहा मैया बाबा बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, याते इनते भाग्य पूछ ले। भगवान शिव ने कहा चेले तुम जरा हाथ पैर की रेखा देख के बताओ, मैं चश्मा लाना भूल गया। इस बहाने काकभूषुंडी जी हाथ पैरों का स्पर्श कर रहे हैं भगवान के, भगवान शंकर भाग्य बांच रहे हैं, इतना शानदार भाग्य है, 10,000 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेगा, ना ऐसा शासन किसी ने किया होगा ना आगे कोई कर पाएगा जो तेरा पुत्र करेगा। लेकिन ध्यान रखना मां, जब तेरा पुत्र 14 वर्ष का होगा एक बाबा आएंगे बहुत तेजस्वी तपस्वी, तेरे पुत्र को ले जाएंगे। मैया ने कहा मैं नहीं दूंगी, बोले दे देना, अगर दे देगी बाबा को तो ये सबसे बड़ा महापुरुष बनेगा और जब लौट के आएगा तो दुनिया की सबसे अच्छी बहू लेकर आएगा। मैया प्रसन्न हो गई, मैया बहू के नाम से बड़ी प्रसन्न होती है, जब से लड़के का जन्म होता है तभी से सपने देखने लगे हैं, कब आएगी कब आएगी, और जब आ जाए तो हाय राम कैसी आ गई। मैया प्रसन्न है गई, बाबा ने कही मैया सबसे बढ़िया बहू आएगी तुम्हारे यहां। फिर वनवास की बात नहीं बताई,
कागभूषण जी ने कहा कड़वा कड़वा मत बताना बाबा, मीठा मीठा बताओ। भगवान भोलेनाथ यशोद कौशल्या माँ की गोदी में श्री राम को दिए और फिर वहां से बाहर निकले। अब अपने इष्ट को जिन्होंने गोदी में खिला लिया, उनके पैर भला जमीन पर कहाँ पड़ेंगे भाई साहब। नृत्य करते हुए आनंद के साथ वापस कैलाश की ओर जा रहे हैं। काकभूषण जी ने कहा भोलेनाथ देखिए मैं तो जाऊंगा नहीं, आया तो मैं आपके साथ था लेकिन जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं प्रभु के बाल रूप को देखकर इतना मोहित हो गया कि अब मैं 5 वर्षों तक यहीं रहूंगा, यहीं महल की अटारी पर रहा करूंगा कौए के रूप में, भगवान जहां जहां झूठन गिराया करेंगे उठा उठा कर खाया करूंगा, यही मेरा जन्म की सार्थकता होगी प्रभु। तो काकभूषण जी वहीं रह गए, भगवान शिव वापस लौट रहे हैं कैलाश की ओर। मैं आपसे यहां निवेदन करूंगा कि आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी रखे हैं आपने, वो ध्यान रखिए वो दुनिया की सबसे सुंदर उपासना पद्धति है, परंतु फैशन के कारण मत रखिए कि मेरी ननद ने रखा, मेरी जिठानी ने रखा तो मैं भी रख लूं, पड़ोसन ने रखा तो मैं भी रख लूं। अगर आपके मन में कौशल्या या यशोदा जैसा मातृत्व भाव हो, यदि आपके मन में वात्सल्य रस की उपासना का भाव हो, यदि परमात्मा को आप अपने पुत्र के रूप में पूजना चाहते हो, तभी आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखिए। नहीं तो अक्सर उनकी उपेक्षा होती हुई देखी गई है। आप कितने भी सोने के सिंहासन में उनको रख दीजिए, कोई भी बच्चा सोने चांदी में प्रसन्न नहीं होता, बच्चा हमेशा अपनी माँ की गोद में प्रसन्न होता है। इसलिए हे माताओं, आपसे विशेष निवेदन है कि मैं देखता हूं लड्डू गोपाल जी को सुबह शाम तो प्रणाम हो जाता है लेकिन दिन भर तो बेचारे अकेले बैठे रहते हैं, इसलिए अगर रखें तो साथ में रखें। रसोई में रोटी बना रहे हो तो साथ में रख लें, बीच बीच में उनके है थपकी देते रहे, लाला हप्पा खावे गो, ले हप्पा, ले पानी दूध। तो अच्छा बताओ आप में से जितनी मातृशक्ति बैठी हैं, जिनके घर लड्डू गोपाल हैं, ऐसी कोई माँ बहन है? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा किनके घर हैं, अभी हाथ खड़ा मत करिए, पहले प्रश्न सुन लीजिए। आप में से कौन ऐसी हैं जो अपने लड्डू गोपाल जी को सिंहासन में से निकाल के अपनी गोद में बिठाकर 24 घंटे में से कम 1 घंटा दुलार करती हैं, ऐसे हिलाती हैं? चलिए 4-5 हैं, 7-8 हैं, बहुत अच्छा। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, ये साक्षात यशोदा की रूप हैं। मेरा निवेदन है कि अगर आपको टाइम ना मिले तो जब टेलीविजन देखने आप बैठे हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को गोदी में रख लीजिए, खूब प्रेम से दुलार करिए, टेलीविजन देखते रहिए। हो सकता है किसी दिन वो आपके हाथ में से रिमोट छीन लें और कहें कि मैं छोटा भीम देखूंगा, डोरीमोन देखूंगा, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनको गोदी में बिठाने का फायदा क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। श्रीमद् भागवत का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय तप्य साध्वी लेभेम गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम व्रजेम। भगवान ने जब 6 दिन की अवस्था में पूतना का जहर पी के उसको मारा, तो पूतना की जब चिता जलाई गई तो पूतना के शरीर में से सुगंध निकली जो 10 दिशाओं में फैल गई। परीक्षित ने कथा सुनते हुए सुखदेव जी से पूछा कि राक्षसी के शरीर में से सुगंध क्यों आई गुरुदेव? सुखदेव जी ने कहा क्योंकि परमात्मा ने उसको अपनी मां का दर्जा प्रदान किया, जो धाम परमात्मा अपनी मां को देते वो पूतना को दिया। परीक्षित ने कहा क्यों दिया, वो तो राक्षसी है, मारने आई थी। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भले ही राक्षसी है लेकिन उसने परमात्मा को अपनी छाती से लगाया, अपने दूध से लगाया, इसलिए भगवान ने कहा इसने मुझे दूध से लगाया इसलिए मैं इसको मां की गति प्रदान कर रहा हूं। जो मारने के भाव से भी दूध से लगा रही है, जब भगवान उसको अपना धाम दे सकते हैं तो जो माताएं भगवान को लाड़ से गोदी में खिलाएंगी मातृत्व भाव से सच्चे मन से, उनके लिए कभी अंत में यमदूत नहीं आएंगे। जब भी अंतिम घड़ी होगी तो परमात्मा का विमान ही लेने आएगा साक्षात।
ये गारंटी है कितनी भी वहां वेटिंग हो आपकी लाइन क्लियर होगी, क्योंकि बस में कितनी भी भीड़ हो, ट्रेन में कितनी भी भीड़ हो, लेकिन जिस मैया की गोदी में छोटा बालक होता है कोई ना कोई सवारी उसको सीट दे देती है, उसको सीट मिल जाती है। जिनकी गोदी में लड्डू गोपाल होंगे उनकी बैकुंठ में भी सीट पक्की होगी, इसकी गारंटी है। तो आइए भगवान शंकर नृत्य करते हुए वापस कैलाश लौट रहे हैं और हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि हम सब अपनी गोदी में लड्डू गोपाल को खिलाएं, भगवान की वात्सल्य रस की उपासना से अपने मन को जोड़ें। बहुत भाव से एक भजन मेरे साथ आप गाएं। भगवान शिव चूंकि स्वयं नृत्य करते हुए जा रहे हैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस भजन को आप खड़े होकर जरा बायां पैर दाईं ओर, दायां पैर बाईं ओर ताली बजाते हुए जरा खड़े होकर गाएं सब लोग भाव से। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, भगवान शंकर पुकार रहे हैं और यहाँ लोग शांत खड़े हैं। अरे भाई साहब गाइए, जरा प्रेम से गाइए। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। अंग भभूति रमा बे जोगी बागमर कट में सोहे, अंग भभूति रमा बे जोगी बागमर कट में सोहे, जटा जूट में गंग बिराजे भक्तजनों के मन मोहे, जटा जूट में गंग बिराजे भक्तजनों के मन मोहे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, 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 गले में नागों की माला आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। शैली शंकी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली शृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक चमा चम नाचे जोगी दर्शन की मन चाह लिए, चमक चमा चम नाचे जोगी दर्शन की मन चाह लिए, पग के घुंघरू छम छम बाजे, 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 कर में जपते हैं माला आज अयोध्या की गलियों में
झूम जोगी मतवाला आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला अलक निरंजन खड़ा पुकारे अलक निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला तो अभी तक जिन्होंने दर्शन ना किए हों उन सबसे निवेदन है अयोध्या का ध्यान करें माता कौशल्या का ध्यान करें उनकी गोद में श्री राम लला का ध्यान करें भगवान शिव को दर्शन दे रहे हैं राम लला आप भी साथ में कर लीजिए और साथ में प्रार्थना भी कर लीजिए हे प्रभु शीघ्र ही अपनी राम जन्मभूमि पर राम लला का भव्य मंदिर निर्माण कराओ प्रभु जिसे सब दर्शन कर सकें माता कौशल्या द्वार पे आई रामलला को गोद लिए माता कौशल्या द्वार पे आई रामलला को गोद लिए भाव भक्ति से सब भक्तन ने रामलला के दर्श किए भाव भक्ति से सब भक्तन ने रामलला के दर्श किए चले हैं सुमिरत राम नाम को 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 कैलाशी काशी वाला आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला अलक निरंजन खड़ा पुकारे अलक निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला 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 नमः पार्वती पते हर हर महादेव रामलला का दर्शन करके भोलेनाथ वापस गए और भगवान का नामकरण हुआ बड़ी प्यारी चौपाई है नामकरण की जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में सुख शांति और आनंद रहे वो भगवान राम के नामकरण की चौपाई को प्रतिदिन अपने घर में गाया करें ये बड़ी सिद्ध चौपाइयां हैं वैसे तो मानस की सभी चौपाइयां बहुत सिद्ध हैं लेकिन जैसे आपके यहाँ मान लीजिए आप पूरा दुर्गा सप्तशती का हवन करते हैं लेकिन पूरी दुर्गा सप्तशती में से कुछ मंत्र विशेष हैं जैसे सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जैसे सर्वाबाधा विनर मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति ऐसे कुछ मंत्र हैं जैसे रुद्री के कुछ मंत्र हैं तो उसमें सबसे प्रसिद्ध त्र्यम्बकमे जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऐसे रामायण में भी कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जो विशेष सिद्ध मानी गई हैं ये भाषा की केवल एक ही पुस्तक है रामचरितमानस जिसकी चौपाइयों से हवन होता है संपुट लगता है जप होता है ये मान्यता केवल पूरे संसार में रामचरितमानस को है तो आज मेरा निवेदन है कि भगवान के नामकरण की चौपाइयों को आप अपने श्री मुख से गायन करें और ये बालकांड में ये चौपाइयां हैं आप इनको रोज गा सकते हैं मैं इनको रोज सुमिरन करता हूं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं आज मेरे साथ गा लें प्रेम से सब लोग जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम
राम अशनामा सो सुख धाम राम अशनामा अखिल लोक दायक विश्रामा अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान श्री राम के नामकरण की ये दो चौपाइयां हैं जो भी आपने गाई। ये नाम किसने रखा है? गुरु वशिष्ठ ने। धरे नाम गुरु हृदय बिचारी वेद तत्व तब नृप सुत चारी। गुरु ने ये नाम रखे हैं। गुरु माने होता है शास्त्रों का ज्ञान। आप जरा सोच के देखिए आपकी गुरु जैसी श्रद्धा किन लोगों के प्रति होती है जो शास्त्रों के विद्वान होते हैं। यानी गुरु कौन है? शास्त्र। शास्त्र को ही आप गुरु मानते हैं। शास्त्र किसे कहते हैं? जो आपके जीवन पर शासन करता है। आपके जीवन पर शासन कौन करता है? शास्त्र। मान लीजिए सवेरे आप दही खाते हैं, रात में आप दूध पीते हैं, ये आपके जीवन पर कौन शासन कर रहा है? शास्त्र। क्योंकि आपके शास्त्र में लिखा है खीरा खाना तो सुबह खाना, खीरा सुबह को हीरा रात में पीरा, तो खीरा आप सुबह खाते हैं रात में नहीं खाते, तो ये कौन बताता है? शास्त्र। मूली सुबह को अमृत रात में शूली, ये कौन बताता है? शास्त्र। कुंती से पूछा महाभारत में तेरे पांचों पुत्र सबसे तेजस्वी कैसे बने? उसने कहा मैंने अपने पुत्रों को रात में कभी दही नहीं खाने दिया। छोटी सी बात है, कौन बताता है? शास्त्र। हमारे जीवन पर जो शासन करता है उसको शास्त्र कहते हैं। आपके जीवन की जितनी मर्यादाएं जिनका आप पालन करते हैं वो कौन सिखाता है? शास्त्र। तो नाम भी कैसे रखना ये भी शास्त्र सिखाता है। और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि नाम का बड़ा महत्व है कलयुग में। माँ बाप के द्वारा रखे गए गलत नाम से कई बार बच्चा जिंदगी भर परेशान रहता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व तब नृप सुत चारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब केवल दो मिनट के लिए सब्जेक्ट को ध्यान से सुन लीजिए, आपके फायदे की बात है। देखिए हमारे एक महीने में 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं यानी 4 steps। एक नक्षत्र की अवधि भी लगभग 27 घंटे की ही होती है। तो 27 चौका 108, 27 नक्षत्र उनके चार चार चरण 27 चौका 108। इसी प्रकार 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो 12 निम्मा 108। इसलिए जब भी कोई मंत्र जाप आप करते हैं तो 108 बार करते हैं। 108 दानों की माला होती है जिससे समस्त राशियों का ग्रहों का जो भी योग बनता है वो आपके जीवन में शांत हो, अशांति ना करे। तो जिस नक्षत्र के जिस चरण में आपके बच्चे का जन्म होता है उसी से उसके नाम का अक्षर होता है और उसी से बच्चे का नाम होता है। मान लीजिए आपके बच्चे की राशि बनी मेष और आपने बच्चे का नाम रख दिया सिंह राशि का, तो जिंदगी भर परेशान रहेगा। क्योंकि मेष माने बकरा होता है, सिंह माने तो शेर होता है, तो बकरा राशि का व्यक्ति और उसका शेर राशि का आप नाम रखो तो गड़बड़ तो हो ही गई ना। क्योंकि सभी राशियां आपस में मित्र नहीं है, क्योंकि सभी ग्रह भी मित्र नहीं है। राहु केतु भी हैं तो सूर्य चंद्र भी हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी हैं तो देवताओं के गुरु बृहस्पति भी हैं। इसलिए प्लीज ठंडे की जगह गर्म तार मत जोड़िए, नहीं तो फिर स्पार्किंग होगी। भले ही नाम आप गूगल पे सर्च करिए, आजकल एक नए गुरु पैदा हो गए हैं जिनका नाम है गूगल गुरु, तो भले ही आप गूगल पे सर्च करिए नाम को, लेकिन
जो नाम का पहला अक्षर है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। वो पहला अक्षर आपके बच्चे को सूट करना चाहिए, आपके बच्चे की राशि के लिए वो मित्रवत होना चाहिए, नुकसानदायक ना हो, फायदेमंद हो। तो मित्र राशि के अक्षर से नाम रखिए। भगवान शिव अभी रामलला का दर्शन करके गए और शिव कुमार जी आ गए, बहुत स्वागत रामलला का दर्शन करने। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो भैया भगवान का नामकरण हो रहा है। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा ये जो बड़ा पुत्र है इसका नाम राम होगा। राजा दशरथ ने पूछा राम नाम का मतलब क्या होता है गुरुदेव? बोले जो पूरे जगत को विश्राम दे वो राम है, जो आनंद दे शांति दे विश्राम दे सुख दे वो राम नाम है। अच्छा आप देखिए, आप पंडाल में आते हैं 3 घंटे आप कम से कम बैठते हैं, अगर कोई 300 रुपए भी देगा ना आपको घर पे, वो कहेगा पालथी मार के बैठे रहो, आप बैठ नहीं सकते भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप पालथी मार के घर में 3 घंटे नहीं बैठेंगे। लेकिन यहां आप आराम से बैठे रहते हैं, न कोई आपको यहां शोक होता है, न दुख होता है, न भय होता है। तो जो शोक के स्थान पर आनंद कर दे, दुख के स्थान पर सुख कर दे और भय के स्थान पर शांति कर दे वो राम का नाम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो राम नाम की ये 2 चौपाई हैं नामकरण की, उनको यदि आप अपने घर में भी प्रतिदिन गाएंगे तो घर में से शोक दुख और भय समाप्त होंगे और आनंद सुख और शांति बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। एक बार फिर से गा लीजिए, देखते हैं कौन तेज गाते हैं, दोनों पक्षों में कंपटीशन है। तो पहले भाई साहब को गाना है, फिर बहन जी को गाना है, पहले आप जरा जोर लगाइए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भाई इन्होंने तो ढेरी जोर लगा दिया, घना जोर लगा दिया, अब आप भी लगाइए। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, बहुत सुंदर, अब आपकी बारी है। सो सुख धाम राम असनामा, रोटी ज्यादा खा क्या एक के, हजरत जोर लगाओ। अखिल लोक दायक विश्रामा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप लोगों ने गाया। अगर इसको रोज गाएंगे और घर में आनंद बढ़ेगा। लेकिन लोगों ने कहा कि बाप प्रभु खाली सुख शांति और आनंद से तो हमारा काम चलेगा नहीं। बोले फिर, बोले हम तो एक ही चीज मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। वो कैसे बढ़ेगी? भगवान ने कहा मेरा सबसे प्रिय भरत है, जो भरत जी का नाम लेगा उसके घर के भंडारों को मैं हमेशा भर दूंगा। तो भरत जी के नाम की चौपाई सबको गानी है। पहले आपका नंबर। विश्व भरण पोषण कर जोई, अब आपका नंबर है, लेकिन आपको भी इसमें जोर लगाना है साथ में। ताकर नाम भरत अस होई, लोगों ने कहा प्रभु भंडार तो भर दिए, लेकिन जिनके भंडार भरे होते हैं उनको डर बहुत होता है शत्रुओं का। भगवान ने कहा शत्रुओं को अभी मैं नाश कर दूंगा, शत्रुघ्न जी का नाम प्रतिदिन सुमिरन करो। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा,
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बहुत सुंदर। अब लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ, उसको सब दोहराएंगे। बोलिए, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो चारों भाइयों के नामकरण की चौपाइयां बालकांड के 196 से 197वें दोहे में हैं। आप प्रतिदिन अगर इनका सुमिरन करेंगे तो आपका घर कैसा बनेगा? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चारों भाइयों का नामकरण हुआ, बहुत सुंदर। ये रामायण की चौपाइयां घर में गुनगुनाते रहें। और अब भगवान थोड़े बड़े हो रहे हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। भगवान की एक बहुत सुंदर बाल लीला का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी करा रहे हैं कि एक दिन राजा दशरथ महल में पधारे, दरबार से अपने ऑफिस से भोजन करने के लिए पधारे। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु थाली लगा दूं क्या? राजा ने कहा, नहीं पहले राघव को बुलाओ। राघव कहाँ है? तो भगवान राम को बुलाने के लिए माँ ने कहा कि वो बाहर मैदान में खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं, ठुमक चलत रामचंद्र। तो सुमंत्र जी ने कहा, महाराज मैं बुलाता हूं। सुमंत्र जी राजा दशरथ के मित्र भी हैं, सारथी भी हैं। सुमंत्र जी बुलाने गए राघव। भगवान ने कहा, चाचा जी? बोले, राजा साहब बुला रहे हैं। भगवान ने कहा, मैं नहीं आता। लोगों ने कहा, ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, इन्होंने तो बचपन में ही पिता की आज्ञा नहीं मानी, मर्यादा तोड़ दी। गोस्वामी जी ने कहा, देखो भैया, पिता की आज्ञा नहीं है, ध्यान से सुनो, राजा की आज्ञा है। चौपाई सुनो। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमंत्र ने आके कहा, वे नहीं आ रहे। लोगों ने पूछा, संतों ने पूछा, प्रभु राजा की आज्ञा पर क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा, ब्रह्मांड के सबसे बड़े राजा हम, कौन राजा ऐसा है जो हम पर आदेश कर सके? और वैसे भी बालक अपने मन का राजा होता है, बालक के ऊपर कौन राजा? दादाजी की कितनी भी तगड़ी मूछें हों, बालक दादाजी के भी कंधों पर चढ़ के उनकी मूछें खींच देता है और दादाजी को भी उसमें आनंद आता है। बाल समाज नहीं छोड़ा, राज समाज छोड़ दिया। तब कौशल्या माँ ने कहा, मैं बुलाती हूं। माँ अपनी बालकनी में गई, सामने पार्क में खेल रहे थे भगवान, बालकनी में से पुकारा, राघव। भगवान ने देखा माँ पुकार रही, तो माँ को देख के मुस्कुराई, लेकिन माँ की तरफ नहीं चले, दूर को चले, उल्टी दिशा में। ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। माँ ने कहा, नहीं आएगा। फिर मुस्कुराए, फिर दूर को चले। माँ के पास इतने दास दासी थे, उन्होंने किसी नौकर नौकरानी को नहीं कहा, उन्होंने बस अपना लहंगा पकड़ा, खट 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 जीने से नीचे और दौड़ पड़ी मैदान में। अब आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मैया। देवता इस दृश्य को देखकर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और भगवान ने देखा कि अब माँ छोड़ेंगी नहीं, तो भगवान वहीं धूल में गिर पड़े।
धूल में गिरे हुए राघव को माँ ने उठाया, गोदी में उठाया, चूमा और लाके राजा दशरथ की गोदी में बिठा दिया। बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने गाई। निगम ने ते शिव अंत न पावा, ताही धरे जन निहट धावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ताही धरे जन निहट धावा, ताही धरे जन निहट धावा। मैया ने दौड़ के भगवान को पकड़ लिया। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जिसने भी परमात्मा को गोद में उठाया है वो दौड़कर ही उठाया है। भक्ति के मार्ग में भी दौड़ना पड़ता है और संसार के मार्ग में भी दौड़ना पड़ता है। पैसा, प्रतिष्ठा, पद कमाने के लिए भी संसार में दौड़ना पड़ता है और परमात्मा की कमाई करने के लिए भी दौड़ना पड़ता है। संसार की दौड़ बहिर्मुखी होती है, परमात्मा को प्राप्त करने की दौड़ अंतर्मुखी होती है। बाहर दौड़ने में पसीना बहता है और अंदर दौड़ने में आंसू बहते हैं भैया, इतना ही अंतर है। दौड़ना दोनों में पड़ता है। मैया दौड़ी और एक विषय को इसमें समझिए कि राजा दशरथ के बुलाने पे नहीं आए, मैया पकड़ लाई। क्यों? क्योंकि राजा में एक अहंकार था, वो नहीं गए। अहंकार को ओंकार प्राप्त नहीं होता। अगर आप में अहंकार है तो फिर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। मन में एक भावना रहती है कि लोग क्या कहेंगे, ये माताओं में नहीं होता अहंकार। हालांकि आप जो पंडाल में बैठे हैं आप में भी नहीं है, लेकिन तो भी पुरुषों में थोड़ा सा। आप देखिए बैठने का स्टाइल देखिए, पुरुष जब भी बैठेंगे तो थोड़ी सी आपस में जगह छोड़ के, माँ जब भी बैठेंगी तो हिल मिल के बैठेंगी, उनमें अहंकार नहीं है। आप कभी देखिए किसी बस में अगर यात्रा हो रही हो, 2x2 की बस हो, दो की सीट पर दो माताएं बैठी हों, दो पुरुष बैठे हों, तो पुरुष अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे लेकिन आपस में बात नहीं होती। अगर दिल्ली से लखनऊ भी जा रहे हो तो एक अमर उजाला पढ़ेंगे, दूसरे दैनिक जागरण। लेकिन अगर दो माताएं बैठी हों तो वो सीट पर बैठते ही टिकट विकट लेके पर्स में रख के उसके बाद कहां से आई बहन जी, बोले मैं आई लोनी थे। अच्छा अच्छा, तो फिर वो क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं, कारोबार, वो सारी बातें होने के बाद धीरे धीरे सब बातें होती चलेंगी और उसके पश्चात फिर धीरे से एक प्रश्न पूछेंगी सास के बारे में। सास के बारे में फिर जिज्ञासा होगी, और अगर दो सास यात्रा कर रही हैं तो बहुओं के बारे में जिज्ञासा होगी, और फिर भाई साहब जो पुराण शुरू होगा, हो फिर तो अनंत कथा प्रारंभ होगी। और फिर जब तक उतरेंगे, यात्रा पूरी होगी, तो इतना पक्का सहेलाना हो जाएगा। तो ये इसलिए हो पाता है कि माताओं में अहंकार नहीं होता, इसलिए भक्ति में जो छलांग उनकी होती है वो बहुत कम लोगों की हो पाती है। तो कौशल्या मैया ने दौड़कर भगवान को पकड़ लिया और लाके राजा दशरथ की गोद में बिठा दिया। अब कितनी सुंदर झांकी बनी कि धूल में सने हुए भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। धूसुर धूर भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूल से सने हुए राम जी को राजा ने गोद में बिठा लिया। हमारे बच्चे धूल में ही नहीं खेलते, आजकल लोगों को लगता है धूल में इन्फेक्शन हो जाएगा। भैया मिट्टी से ही परफेक्शन होता है शरीर का। पहले सभी जो पुराने लोग यहां बैठे हैं
सबको पता है कि सब गांव में अखाड़े में जाते थे, मिट्टी में थोड़ी सी कसरत करते थे, मिट्टी शरीर पर लगती थी। आजकल 25% बच्चों को एलर्जी है किसी ना किसी चीज से। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आते। अब तो खैर धूल भी जहरीली हो गई है जो कि उसके साथ पॉल्यूशन जुड़ गया है, लेकिन मिट्टी हम लोगों की माँ है, मिट्टी से ही हमारा शरीर बना है। भगवान मिट्टी में खूब खेले, कन्हैया ने तो खूब मिट्टी खाई है। ये भारत माता की मिट्टी है, इसको भगवान ने भी खाया है। तो शरीर को पुष्ट करने वाली जो तीनों माताएं हैं, अपनी माता, धरती माता और तीसरी गौ माता, इन तीनों से हमारे बच्चों का संबंध बना रहे, ऐसा हम सबको संकल्प करना चाहिए। हम लोग भगवान श्री राम की बाल लीलाएं सुन रहे हैं, चाहे हम भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुने, अब देखिए कितने तेजस्वी हैं भगवान। 14 साल की उम्र में भगवान राम ने ताड़का को मारा और भगवान श्री कृष्ण ने तमाम राक्षसों को निपटाते हुए 12 साल की उम्र में कंस को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो गऊ का दूध पीते हैं, देशी गाय का। अब आपके बच्चे पता नहीं, एक बच्चे से मैंने पूछा गाय का दूध पीते हो, बोले मदर डेयरी का। अब उसे ये नहीं पता कि गाय दूध देती है कि भैंस देती है, उसे तो मदर डेयरी पता है। तो मेरा निवेदन है, अगर बच्चों को तेजस्वी बनाना है तो वैसा ही, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अच्छा ये बताओ, भैंस के बच्चे को यहां क्या बोलते? पटड़ा, पड़वा, पाड़ा, पड़ा, ऐसे बोलते हैं उसको। भैंस के बच्चे को बड़ा जब हो जाता है तब तो झोटा बोलते हैं इधर, लेकिन जब वो छोटा होता है तो उसको पड़वा कहते हैं या कटड़ा कहते हैं या पाड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पड़ा रहता है। जन्म लेने के बाद उसमें आलस्य बहुत होता है, वो पड़ा रहता है। और गाय का बछड़ा, गौ माता एक बार चाटती है, हे उछाल मारता है। अब आपका बच्चा अगर भैंस का दूध पिएगा, आप एग्जाम में कहोगे बेटा पढ़ ले, उठ जा, मैया उठा के बिठाएगी, बेटा तेरा एग्जाम है आज पढ़ ले, वो फिर पढ़ो, फिर इधर से उठाएगी तो फिर तो बच्चे गाय का दूध पिएंगे तो वैसे ही तेजस्वी बनेंगे। सड़क पे आप जा रहे हो ना, लोनी रोड पे, तो ये पहचान कर सकते हो कि किसने गाय का पिया किसने भैंस का पिया। जो जरा सा हॉर्न सुनते ही साइड दे दे वो समझ लेना गाय वाला है, और जो साइड ना दे और यूं देखे वो समझ लेना इनने भैंस का पिया है। नंदी पर महादेव आते हैं और भैंसे पर यमराज आते हैं। अब भैया सोच लो, आप गाय का दूध पियोगे तो महादेव मिलेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम, और बाकी तो फिर समझ ही लो। इसलिए आज भगवान की बाल लीलाओं को सुनते हुए अपने मन में संकल्प करें कि अपने फ्लैट में आप गाय तो पाल नहीं सकते, क्योंकि यहां की स्थिति में देख रहा हूं 4-4 मंजिल के मकान है, फ्लोर सिस्टम हो गया, आप फ्लोर में गाय कैसे बांधोगे, जीने पर कैसे चढ़ेगी, कहां बंधेगी। लेकिन इतना संकल्प कर सकते हो कि आसपास के जो गांव हैं वहां बहुत सारे लोगों का यही जीवन का माध्यम है कि वो पशुपालन करें। लेकिन अगर आप संकल्प करोगे कि हम देशी गाय का ही दूध, देशी गाय का ही दही, देशी गाय का घी, देशी गाय का मक्खन अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो भाई साहब गाय क्यों नहीं पलेगी, गाय पलेगी।
लेकिन वो तब पलेगी जब आप ये संकल्प करेंगे कि मेरे बच्चे, अब घी काय का खरीदते हो, विभिन्न कंपनियों का घी आप खरीदते हो, कभी आपने सोचा है कि इतना सस्ता घी कैसे मिलता है आपको? आप निकाल के तो देखो जरा, दूध खरीद के निकाल के देखो अपने घर, दूध दही जमा के मक्खन निकाल के कितना भी कोशिश कर लेना, 1000 रुपए से नीचे नहीं पड़ेगा। तो कंपनी का इतने घी के गोदाम भरे पड़े हैं दुकानों पे, कहां से आ रहा है भाई ये आधे रेट में कैसे आ रहा है? तो ये उस पद्धति से नहीं बना। विदेशों में बहुत सारी गायें जो जर्सी गायें हैं, उनके जो दूध का मक्खन होता है वो जहाज के जहाज भर के भेजते हैं, उन्हीं को मक्खन को पिघला के क्रीम बना के ये घी बनाते हैं। लेकिन जो असली दूध होता है वो देशी गाय का होता है, जिसके कंधे पर वो डांट उठी हुई होती है, वो गौ माता होती हैं, बाकी तो आंटी जी हैं। अगर आपको सूर्य का तेज चाहिए तो जो सूर्य नाड़ी होती है जिस गाय में, वो भगवान सूर्य का तेज अपने उस डांट के माध्यम से शरीर में इकट्ठा करती है। उदाहरण में बता रहा हूं, 60 डिग्री टेम्परेचर में भी, यानी घोर राजस्थान की तपती हुई दोपहरी में भी, भारत की गाय, राठी गाय, गीर गाय, वो घोर रेगिस्तान में भी दोपहरी में चढ़ती रहती है। उसको सूर्य नारायण जितने तेज होते हैं उतना ही आनंद आता है, क्योंकि वो गायत्री का रूप है, वो सूर्य की पुत्री है। जर्सी गाय को खड़ा करना जरा गर्मी मई के महीने में, धूप में इतनी लंबी जीभ निकाल देगी, और भैंस को खड़ा करना तो उसकी भी हालत खराब हो जाएगी। गाय सूर्य की पुत्री है, इसलिए सूर्य का तेज अगर आपको चाहिए तो वो देशी गाय में मिलेगा। कई लोग इसलिए नहीं खरीदते, गाय का दूध पतला होता है, भैंस का गाढ़ा होता है। अरे गाढ़ा होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल 3 गुना होता है, हार्ट की नलियों को ब्लॉक कर देगा। वो जो गाय का दूध है वो तेजस्वता प्रदान करेगा। इसलिए माताओं से निवेदन है, अपने घर में से जो हांडी निकाल दी है ना आपने, पहले सबके घर में हांडी होती थी, बरोसी होती थी, बरोसी में हांडी में दूध औटता था, पक पक के लाल हो जाता था, उस दूध को पीने वाले बच्चे भी लाल होते थे। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। सबने बरोसी निकाल दी, गैस पर दूध गर्म कर रहे हैं, यू नो व्हाट इज द टेम्परेचर? एलपीजी गैस की फ्लेम का टेम्परेचर 250 से 450 डिग्री तक होता है। पुराने बुजुर्गों की कहावत है कि जिसने दूध और पूत संभाल लिया उसने सब संभाल लिया। अधिक टेम्परेचर पर दूध के सदगुण नष्ट हो जाते हैं, दूध के बैक्टीरिया मर जाते हैं। वो जो बरोसी की आग होती थी उसमें कंडों की धीमी धीमी आंच में हांडी में रखा हुआ दूध 70-80-90 डिग्री टेम्परेचर पर धीरे धीरे पकता हुआ लाल होता था, उसमें दूध के समस्त सदगुण ज्यों के त्यों रहते थे। हमने केवल हांडी इसलिए निकाल दी कि छज्जा काला हो जाएगा, अरे हांडी तो आपके फ्लोर पे भी रखी जा सके, कंडे ही तो खरीदने, खाली सबके घर में काम वाली आती हैं। अरे आप ना कर सको अपनी कर्मचारी को कह दो, वो ये भी कर देगी, दही जमाओ उसका मक्खन बिलो के निकालो, नहीं तो कमर होती जा रही है सबकी कमरा जैसी। फिर बाबा रामदेव के शिविर में जाके झूठे कोई चक्की चला रहे, तो सच्चे कोई चला लो भैया, सच्चे को दही की हांडी में, अरे यशोदा मैया जैसा आपको आनंद आएगा, जैसे यशोदा मैया अपने लाला को माखन निकाल के खवाए करें। खाली कितना करना, एक बरोसी रखनी है, उसमें कंडे पर एक हांडी रखनी है, और बस दूध उसको हटाना है। जरा सा छज्जा काला होगा लेकिन बच्चे लाल हो जाएंगे, वो बच्चे ही माँ बाप का प्रकाश फैलाएंगे आगे चल के। तो पंचगव्य बाजार से जितने भी घी खरीदोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अपना दूध बढ़ा दो, उसी का दही जमाओ,
उसी का मक्खन निकालो, वो जो आपका दही के मक्खन से निकला हुआ घी होगा वो असली घी होगा। ये जो मलाई वलाई इकट्ठा करके घी निकलता है इसमें नहीं होती वो बात। घी की असली पद्धति दूध को जमाना, दही बनाना, दही को बिलोना, मक्खन निकालना और फिर उस मक्खन को तपा के तब जो घी बनता है वही असली घी होता है, जो आपके बच्चे के तेज को, ओज को, स्मरण शक्ति को और बुद्धि को तेजस्वी बनाता है। हाथी घोड़ा पालकी खैर मुझे पता है करेगा कोई नहीं, लेकिन फिर भी कहना मेरी जिम्मेदारी है। यशोदा मैया इतने दास दासियां होते हुए भी कन्हैया के लिए अपने हाथ से ही दूध उबालना, अपने हाथ से ही जमाना, अपने हाथ से ही बिलोना, अपने हाथ से ही माखन निकाल के रखना, ये स्वयं करती थी। तो शरीर को पुष्ट करने वाली तीनों माताएं अपनी माँ, गौ माता, धरती माता, आज दुर्भाग्य है कि तीनों का उपेक्षा हो रही है। अपनी माँ भी दूध नहीं पिला रही, इसने तो लगे गाय का ही पिया भाई। अपनी माँ भी नहीं पिला रही, वो भी बोतल लगा दे बचपन से, बचपन में बोतल पिलाए बालक को, बुढ़ापे में कहे कि वो बोतल छोड़, वो कैसे छोड़ेगा भाई। जिसे बचपन से बोतल की आदत लगाओगे वो पहले दूध की बोतल, फिर कोका कोला वाली, फिर इसलिए भैया बच्चा जब अपनी माँ का दूध पीता है तो बच्चे को माँ की खुशबू आती है और वो खुशबू उसके दिमाग में ऐसी बस जाती है कि बुढ़ापे में भी अम्मा अगर अपनी सूती धोती से अपने बालक का मुंह पोंछ देती है तो वही खुशबू उस बालक को आती है जो बचपन में आया करती थी, अपनी माँ की खुशबू। ओ बच्चे का उतना ही गहरा लगाव अपनी माँ से होता है, वही धरती माँ, वही गौ माता। तो आइए ये भगवान श्री राम के बालपन की कथा सुनकर हम अपने मन में संकल्प लें, एक गीत मेरे साथ बड़े भाव से ताली बजाकर गाएं और फिर आगे बढ़ेंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की वाटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी के प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सबकी ताली। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी के प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय।
कितने घर ऐसे हैं जिनमें प्रतिदिन शंख बजता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 12 घर हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों की भांति चमक रहे हैं ज्योति नगर में। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। 12-13 घरों ने हाथ उठाए, शंख बजता है। बाकी सबके घर में क्या बजता है? टेलीविजन के FM। अरे भैया, सवेरे सवेरे शंख बजा लिया करें। अगर शंख बजाएंगे तो घर में कोई अमंगल नहीं होगा, किसी नेगेटिविटी का, किसी नजर का, टोने टोटके का, किसी प्रकार के अमंगल का प्रवेश नहीं होगा। जो शंख बजाएगा उसको कभी टीवी नहीं होगी, उसको दमा नहीं होगा, उसको अस्थमा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हमेशा शंख। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, हमारे सब महापुरुषों, शंख। भगवान विष्णु के हाथ में शंख, चक्र, गदा, पदम। और माताएं शाम को अपने बच्चों को कोई ना कोई कहानी सुनाएं। देखिए, बड़े हो के नहीं सुनेंगे, वो छोटे बच्चे हैं तभी तक सुनेंगे। सुनने की भी एक उम्र होती है, बाद में तो सुनता ही नहीं। बाप डांटता है तो पास में ही लड़का खड़ा होता है और जोर से कहता है, सुनी कि नहीं सुनी, सुनता है कि नहीं। इसका मतलब सुन ही नहीं रहा। सुन रहा होता तो इतनी जोर से काहे चीखना पड़ता भैया। इसलिए जब तक वो सुन रहा है तब तक उसको लोरी के माध्यम से, अच्छी अच्छी कथाओं के माध्यम से, अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से ये अगर करेंगे तो आनंद होगा। जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। कर्म का कितना महत्व है कि राजा के घर में पैदा होकर भी एक बेचारा वैसे ही रह गया, और एक चाय वाले के घर में पैदा होकर भी प्रधानमंत्री हो गए। ये सब कर्म का महत्व है। कर्म से आप भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बनता है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को भाग्य कहते हैं, और वर्तमान में जो पुरुषार्थ आप कर रहे हैं उससे आपका नया भाग्य प्रतिपल तैयार हो रहा है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। और त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा, ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा, निर्मल है अभिराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा, निर्मल है अभिराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन है आदर्श यहाँ का, जीवन है आदर्श यहाँ का, परमेश्वर का
धाम है अरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है जीवन है आदर्श यहाँ का परमेश्वर का धाम है अरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है अरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है हे हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है भगवान गुरुकुल में पढ़ के आए जनेऊ संस्कार हुआ गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लड़कों के जनेऊ संस्कार शादी के ही समय होते हैं मेरा निवेदन है यहाँ बैठे हुए सभी माताओं पिताओं से कि ये तब का फैशन था जब बच्चों की शादी 12-13 साल 14 साल की उम्र में हो जाती थी अब लोग कहते हैं तो परंपरा है हमारे घर की परंपरा ऐसी नहीं होती परंपरा 100-200 वर्ष पुरानी नहीं होती परंपरा हजारों वर्षों की होती है बीच में जब मुगलों का काल था उस समय हमारे संस्कृति पर संकट था कुंवारी कन्याओं को उठा के ले जाते थे इसलिए बचपन में जल्दी शादी करने की हम लोगों ने नियम बना लिए और रात में शादी करना ये भी नियम तभी से शुरू हुआ क्योंकि दिन में आक्रमण हो जाता था डोली उठा के ले जाते थे अभी ऐसी कोई बात नहीं है रात में कोई भी हवन अच्छा नहीं माना जाता भगवान श्री राम का विवाह भी सायंकाल गोधूली वेला में हुआ था आजकल आप देखते जो सबसे बड़ा संस्कार है विवाह संस्कार उसमें 4 लोग भी उपस्थित नहीं होते बस दावत खाई शाम को और चले गए अब रात के 2 बजे कौन बैठा रहेगा भैया तो शाम को अगर फेरे पड़े तो कितना अच्छा लगे शाम को फेरे पड़े सैकड़ों लोग आशीर्वाद दें उसके बाद तब जयमाला हो जाए नहीं तो फेरों पर पंडित जी कहते हैं अब दुल्हन पति के बामांग बैठेगी उन्हें पता ही नहीं वो पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के भोजन भी करे आए जयमाला के बाद तो मेरा निवेदन है अपनी परंपराओं को ध्यान से देखिए वो जिस कारण से बनाई गई उन पर ध्यान दीजिए और उनमें सुधार करिए अब युग बदल चुका है तो ये जो जनेऊ पहले बचपन में जब बच्चा पढ़ाई का संस्कार शुरू करता था विद्यारंभ संस्कार होता था जनेऊ संस्कार होता था गायत्री मंत्र की दीक्षा होती थी अब 25 साल के नौजवान को आप जनेऊ पहनाएंगे वो कहां धारण करेगा पहले दिन पहनाएंगे अगले दिन उतार देता है बचपन से जो संस्कार डाला जाता है वही संस्कार जीवन भर रहता है भगवान का बचपन में जनेऊ संस्कार हुआ गुरुकुल पढ़ने गए बहुत थोड़े समय में सारी विद्याएं सीखकर वापस आ गए यानी 14 साल से कम उम्र की समय में उन्होंने सारी विद्याएं प्राप्त कर ली गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई विद्या पाने के बाद संस्कार कैसे हो गए उनके अब अपने घर में जब सवेरे उठते हैं तो माता पिता गुरु के चरणों में मत्था टेक कर प्रणाम करते हैं देखिए गुरु के द्वारा दिए गए संस्कार कैसे हैं कि सवेरे उठ के माता पिता गुरु के चरणों में मत्था टेकते हैं यहां जितने भी पुरुष बैठे हैं इस पंडाल में आज जितने भी पुरुष बैठे हैं जो जिनके बाल अभी सफेद नहीं है काले हैं जिनके माता पिता अभी हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं कि आप में से कितने पुरुष बंधु ऐसे हैं जो सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं वो हाथ खड़ा करें 10-12 लोग हैं अच्छा नीचे कर लें कितनी बहुएं या ऐसी बैठी हैं जो सवेरे सास ससुर के चरण स्पर्श करती हैं वो भी हाथ खड़ा करें अच्छा वो भी है बहुत अच्छी बात है ऐसे सब भाइयों के और ऐसी सब बहनों के लिए एक बार ताली हो जाए आप सबकी देखिए पिता के चरणों में 2 ग्रहों सूर्य की कृपा होती है सूर्य की मां के चरणों में चंद्रमा और गुरु के चरणों में बृहस्पति और शुक्र चंद्रमा मन के देवता हैं
चंद्रमा मनसो जाता है, सूर्यो चक्षु अजायता, श्रोत्रा वायुर मुखाद अग्निर अजायता, वेद का मंत्र है। और चार बीमारियां मन से होती हैं। अटल जी की बहुत प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये डिप्रेशन की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां, ये सब किससे होती है? मन से, मन की टेंशन से। तो माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से मन का जोश बढ़ेगा, मन की टेंशन कम होगी। माँ तो अपने बच्चे को वैसे भी हमेशा आशीर्वाद देती है, लेकिन प्रणाम करने का तरीका है। जैसे कोई बच्चा अपनी मम्मी को स्कूल जाते समय अगर बाय बाय करे तो मम्मी भी उसको बाय करेंगी। तो बाय से क्या हुआ? बाय से हमारे देश में गठिया बढ़ जाता है। जैसे जोड़ों का दर्द हो तो कहते हैं या कोई बाय को दर्द है। बाय अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अगर बच्चा ऐसे करने के स्थान पर हाथ जोड़कर ऐसे करे तो मां का हाथ ऐसे उठ जाता है, खूब बड़े। लेकिन बच्चा ऐसे करने की जगह अगर पैरों में ऐसे करे तो, पैर छू ले तो मां गदगद हो जाती है, मां का आशीर्वाद और बढ़ जाता है, खूब बड़े खूब बड़े। लेकिन अगर बच्चा घुटनों के बल बैठकर मां के चरणों में मत्था टेक दे तो मां का दिल निकल आता है भाई साहब। वो बच्चे को ऐसे उठाएगी, वो ऐसे छाती से लगाएगी, उसके सिर पर हाथ फेरेगी, उसको लगेगा मैं अपने लाल को कितना दूं। कोई भी मां, कोई भी पिता, कोई भी गुरु, कोई भी दादा दादी, अगर बच्चा चरणों में मत्था टेके तो दिल की जो सर्वश्रेष्ठ भावना है वो निकलती है। देखिए क्रिया, क्रिया बदलने से वोल्टेज बदल जाती है। एक बल्ब 0 वाट का, 1000 वाट का है। आशीर्वाद भी 0 वाट का भी होता है, 1000 वाट का भी होता है। ऐसे करने से 0 वाट मिलेगा और मत्था टेकने से अनंत आशीर्वाद प्राप्त होंगे। भगवान आशीर्वाद लेना सिखा रहे हैं। आशीर्वाद कभी मांगना नहीं किसी से। आशीर्वाद कोई पुड़िया थोड़ी है कि कोई निकाल के देगा। मांगा नहीं जाता, ले लिया जाता है। आपका संस्कार होगा, आपके सद्गुण होंगे, आपकी सेवा होगी, सामने वाला आशीर्वाद रोक ही नहीं सकता भाई साहब, अपने आप आशीर्वाद निकल के आएगा आपके। इसलिए चौपाई एक बार सब लोग दोहराएं भाव से। हमारी टीम नहीं गाएगी, वो हमारे साथ गाएंगे, आपको दोहराना है, देखते हैं कितनी जोर से दोहराते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, बहुत सुंदर आपने गाया। क्योंकि माता पिता और गुरु ये हम लोग तय नहीं करते कौन किसका होगा, ये परमात्मा तय करता है कि आपकी श्रद्धा जिंदगी में किसके प्रति होगी, आपके माता पिता कौन होंगे, हम में से कोई फॉर्म नहीं भरता, ये परमात्मा हमारे बारे में तय करते हैं। और ये तीन लोग ही ऐसे होते हैं जो बहुत दिल से आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा और अधिक अधिकतम प्रगति करें, और प्रत्येक गुरु भी ये चाहता है कि उसका शिष्य और अधिक प्रगति करे। तो ये दिल से जो आशीर्वाद मिलते हैं परमात्मा के वरदान हैं। लेकिन अब ऐसा फैशन शुरू हो गया पाश्चात्य संस्कृति के कारण कि हम अपने वरदान को भी श्राप समझने लगे और देश में वृद्धाश्रम शुरू होने लगे। तो हमारे देश के कवि ने बहुत सुंदर इसमें पंक्ति बोली कि हम तो वरदान को ही श्राप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य हैं और पाप समझ बैठे हैं। कल तो माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं, हम तो वरदान को ही श्राप समझ बैठे हैं। बदलते दौर में एक ऐसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है।
आजकल आपने देखा होगा माँ बाप अगर बच्चे को कोई बात समझाए ना तो चुप बैठे रहो, बोलते रहते हो, चुप बैठो, बोलते ही रहते हो। तो माँ बाप की बोली पे जो रोक लगा दे, तो बदलते दौर में एक ऐसा वक्त आया है, हम इसे दूर हो रहा हमारा साया है, और आज वो उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, आज हम उनकी जुबां पर लगा रहे बंदिश। तो ये जो रामायण की चौपाई है, अद्भुत क्रांतिकारी चौपाई है, आपने बहुत प्रेम से गाई है, भगवान करे कि आपके द्वारा भी समाज में ये सद्गुण बढ़े। आइए अब विश्वामित्र ऋषि आ रहे हैं, बहुत प्यारे ऋषि हैं विश्वामित्र, उनका स्वागत करिए सब लोग, एक चौपाई के माध्यम से उनको प्रणाम करिए। आसमान में आप देखेंगे ना सप्त ऋषियों के तारों को, उनमें से एक विश्वामित्र हैं, रोज आपको आशीर्वाद देते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अभी सबने नहीं गाया, मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं गाने को, एक गायत्री मंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक ऋषि है, ये वो ऋषि है भाई साहब जिसके पैरों की सेवा भगवान राम ने 11 वर्ष लगातार की है, 14 वर्ष से 25 वर्ष परमात्मा अपने गुरु के साथ रहे, एक भी शाम ऐसी नहीं बीती जब अपने गुरु के चरणों की सेवा ना की हो। ये वो गुरु है जब रावण भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहा था, ऋषियों की हत्याएं कर रहा था, उस समय विश्वामित्र देश के हर भाग में नए नए गुरुकुल खोलकर भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे थे, विद्याओं को बचा रहे। अपनी सरकार में तो बहुत लोग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब गर्दन पर तलवार चल रही होती है, उस समय जो लोग अपनी संस्कृति को बचाने में सक्रिय होते हैं वो पूज्य होते हैं, ये विश्वामित्र हैं। इसलिए कह रहा हूं परमात्मा ने उनको गुरु माना है, एक उनके कुल गुरु हैं, एक उनके विद्या गुरु हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप जाग्य जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुई डरही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले, विश्वामित्र के आंगन में विहार करने वाले हैं। कैसे मिले उनको? विश्वामित्र का जन्म की भी बड़ी सुंदर कथा है, इनका जन्म भी यज्ञ के द्वारा हुआ और भगवान राम का जन्म भी यज्ञ के द्वारा हुआ। इनके पिताजी का नाम था गाधी, सम्राट गाधी, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं ये विश्वामित्र। सम्राट गाधी इनके पिता, लेकिन गाधी को एक कन्या थी केवल, पुत्र नहीं था, और गाधी सम्राट की जो कन्या थी उसको योद्धा पसंद नहीं थे, उसको राजनीतिक लोग पसंद नहीं थे। तो उसने जो विवाह किया, उस समय के जो सबसे तेजस्वी ऋषि थे ऋचिक, ऋचिक माने वेदों की ऋचाएं जिनको सिद्ध थीं, ऐसे ऋचिक ऋषि के साथ उस कन्या ने विवाह किया। अपने पति के साथ आनंद से आश्रम में रहती थी, तो कन्या की माँ ने कन्या से एक बार कहा कि तेरे पति इतने बड़े सिद्ध ऋषि हैं, क्या वो मेरे घर एक पुत्र नहीं करवा सकते? अगर मुझे एक पुत्र हो जाएगा तो तुझे एक भाई मिल जाएगा और राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। कन्या ने कहा मैं प्रार्थना करती हूँ। उसने अपने पति से प्रार्थना की, अब पत्नी की बात को नहीं टाला ऋषि ने, उन्होंने कहा ठीक है मैं पुत्र करवा दूंगा, लेकिन हमको भी तो एक पुत्र चाहिए, तो ऐसा करता हूं कि जब मैं अनुष्ठान करूंगा तो दोनों के लिए कर लेता हूं, अपने लिए भी अपनी सास के लिए भी। तो ऋषि ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से जो खीर तैयार हुई, उस खीर को दोनों में रखा
और अपनी पत्नी और अपनी सास को बुला के कहा कि ये खीर आपकी और ये खीर आपकी। शरद पूर्णिमा की रात थी, दोनों को कहा कि रात भर इस पर चांदनी बरसेगी, और सवेरे अपनी सास को कहा कि आपका दोना ये वाला है, अपनी पत्नी को कहा आपका दोना ये वाला है। दोनों सो गईं, लेकिन माँ के मन में बेईमानी आ गई। माँ ने सोचा कि हो सकता है मेरे दामाद ने अपने लिए बढ़िया वाला प्रसाद तैयार किया हो, नंबर एक का पुत्र मेरे लिए शायद उतना अच्छा ना किया हो। अच्छा, जो जैसे मन का होता है वैसे ही सबको समझता है। अब राजनीति के लोगों के मन अलग होते हैं, ऋषियों के मन अलग होते हैं। तो उसने माँ ने रात में चुपचाप उठकर दोनों के दोने चेंज कर दिए, अपना दोना बेटी की जगह, बेटी का दोना अपनी जगह। सवेरे दोनों ने प्रसाद पा लिया। तो जब दोनों प्रसाद खाने के बाद आशीर्वाद लेने गईं, तो ऋषि ने अपनी पत्नी का मुख देखकर कहा कि तुमने गलत प्रसाद खा लिया, तुम्हारे चेहरे पर सतोगुण का तेज नहीं, रजोगुण वाला तेज है। ऋषियों का सतोगुण होता है, नेताओं का रजोगुण होता है, तुम्हारे चेहरे पर सतोगुण का तेज नहीं है। अपनी सास से पूछा, आपने गलत प्रसाद खाया? बोले नहीं, मैंने तो वही खाया, सत्य बताओ। ऋषि ने कहा, मेरी पत्नी बहुत धर्मात्मा है, झूठ नहीं बोलती है, लेकिन तुम महारानी हो, तुम बोलो नहीं तो मैं श्राप देता हूं। वो डर गई, उसने कहा ठीक है, मैंने गलती की, मैंने सोचा आपने अपने लिए बढ़िया वाला तैयार किया होगा। ऋषि को बहुत दुख हुआ, उन्होंने कहा कि जो जैसा होता है वैसे ही समझता है, चलिए कोई बात नहीं, आप अपने लिए राजा पुत्र चाहती थी, अब आपका पुत्र राजा नहीं बनेगा, आप कितनी भी जोर लगा लेना इसको राजनीति सिखाने का, ये सिंहासन को लात मार के सन्यासी बनेगा, क्योंकि ये मेरा प्रसाद है, मैंने तैयार किया है सन्यासी का प्रसाद, ये ऋषि बनेगा। और अपनी पत्नी को कहा कि मैंने तेरे भाई के रूप में श्रेष्ठ सम्राट तैयार हो, जिसको दुनिया में कोई ना हरा सके, क्योंकि पुराने जमाने में जो राजा चुने जाते थे वोटों से नहीं चुने जाते थे, तलवार के बल पर होते थे, जिसकी बाहों में ताकत होती थी वो राजा होता था, उसके लिए युद्ध जीतने पड़ते थे। ऋषि ने कहा, मैंने तेरा ऐसे भाई का प्रसाद तैयार किया था जिसको दुनिया में कोई ना हरा पाता, लेकिन अब तेरी कोख से वो उत्पन्न होगा, तेरा पुत्र दुनिया में सबसे भयंकर योद्धा होगा। वो बहुत रोई, उसने कहा मैं योद्धा की मां नहीं बनना चाहती, मुझे युद्धों से नफरत है। तब ऋषि ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपने तप के बल से जेनेटिक्स में चेंज करूंगा, तेरा पुत्र ऋषि होगा लेकिन उसका जो पुत्र होगा वो योद्धा होगा। तो ऋषि के पुत्र जमदग्नि हुए, और जमदग्नि के पुत्र दुनिया के सबसे श्रेष्ठ योद्धा भगवान परशुराम के रूप में अवतरित हुए। और उधर रानी के गर्भ से विश्वामित्र हुए, जो राज सिंहासन को लात मार के एक राजा के पुत्र होते हुए भी ब्रह्मर्षि हुए, जिन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया, गायत्री के सबसे बड़े प्रचारक ऋषि, वो विश्वामित्र आज आए हैं राजा दशरथ के यहां। उनकी गुरु वशिष्ठ के साथ बनती नहीं है, लेकिन आज अपने अहंकार को छोड़कर आए हैं। अहंकार को जो छोड़ता है उसी को ओंकार की प्राप्ति होती है। राजा दशरथ उनको जानते हैं कि वो कितने बड़े ऋषि हैं, इसलिए अपनी राज्य की सीमा पर उनको रिसीव करने गए हैं। 100 किलोमीटर दूर अयोध्या से उनको रिसीव करके लाए, हो रही हैं यज्ञ नष्ट हो रहे, इसलिए मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। बोले किसकी? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम लक्ष्मण मांगने आया हूं, जिससे कि राक्षसों को वध हो सके और मैं सनात हो सकूं। मेरे जन्म का लक्ष्य, मैंने एक ही मंत्र जपा है राजन, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। मैं परमात्मा का वरण करूं, अगर राम मुझे मिल जाएंगे तो परमात्मा का वरण हो जाएगा राजन, मेरे मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। राजा के पैरों की जमीन निकल गई, उन्होंने कहा प्रभु आप क्या मांग लिए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये दोनों तो मेरे प्राण हैं,
इतने छोटे बच्चे, इतने भयंकर राक्षस, अरे आप सेना ले लीजिए, खजाना ले लीजिए, आप दुनिया में गुरुकुल क्यों चला रहे हैं, मेरे राज्य में यूनिवर्सिटी चला लीजिए, आप जितनी जमीन कहें पैसा दे मैं दूंगा। विश्वामित्र ने कहा राम चाहिए बस, देने हो तो बोल, नहीं देने हो तो जाता हूं। राजा ने कहा मेरे इतने छोटे छोटे पुत्र, बोले तेरे पुत्र नहीं है, वो मत कर, तेरे वश की बात होती पुत्र जन्म देना तो बहुत पहले हो गए होते, ये ऋषियों के और यज्ञों के पुत्र हैं। देश के दो महान ऋषियों ने, गुरु वशिष्ठ और शृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टी यज्ञ करके, तब यज्ञ नारायण से खीर का प्रसाद लेकर तब ये पुत्र हुए हैं। इनके जीवन पर यज्ञों का और ऋषियों का हक है, और आज यज्ञ नष्ट हो रहे हैं, ऋषियों की हत्या हो रही है, इसलिए मैं मांगने आया हूं। और ऋषि का चेहरा लाल हो गया भाई साहब। गुरु वशिष्ठ ने कहा देव राजन, नहीं तो श्राप दे देंगे, दे दो। राजा अपने गुरु की बात कभी नहीं टालते थे, दोनों पुत्रों को बुला के तुरंत सौंप दिया। विश्वामित्र धन्य हो गए। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी, ये बहुत प्यारी चौपाई है। विश्वामित्र जी को क्या मिला है आप भी गाइए। विश्वामित्र महान दिपाई, चम गौर सुंदर दो भाई। ध्यान से सुनिए, मैं बीच में पूछ भी सकता हूं कि मैंने क्या बताया। क्या मिला विश्वामित्र जी को? महानिधि। जोर से बोलिए महानिधि। ये क्या होती है महानिधि? सोचिए, एक होती है अष्ट सिद्धि, नौ निधियां। नौ निधियां कौन सी होती हैं? आपका स्वास्थ्य, आपका रूप, आपका बल, आपका ज्ञान, आपका ऐश्वर्य, आपका कुल, आपके बच्चे, आपके मित्र, आपकी आयु, आपका पराक्रम, ये आपकी निधियां हैं। लेकिन ये शरीर की निधियां हैं, चिता जलने के बाद एक भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी। लेकिन जो आत्मा की निधि है, जो आत्मा का धन है, वो परमात्मा है, वो महानिधि है भाई साहब, वो जिसको प्राप्त हो जाए। इसलिए हमारे वृंदावन के संत भगवान का जब कीर्तन करते हैं तो संसार की निधि नहीं मांगते। कौन सी मांगते हैं? महानिधि, परम धन। वो कौन सा है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई। भगवान उनके साथ उनके आश्रम में पहुंचे और जाते ही यज्ञ करवाया। गुरु जी यज्ञ करो, अब चिंता मत करो, मैं हूं। ताड़का मारी सुबाहु ने आक्रमण किया, भगवान ने एक बाण से ताड़का को मार दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीन। ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग भगवान के पास पहुंचा और उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? राम रूप में आए तो आपने ताड़का मारी, कृष्ण रूप में आए तो आपने पहले पूतना मारी, आप इधर से शुरुआत क्यों नहीं करते, इधर से ही क्यों करते हैं? भगवान ने कहा मैं महिला पुरुष में भेद नहीं करता, वो आप भेद करते हैं। मैं विद्या की रक्षा और अविद्या का नाश करता हूं। पूतना अविद्या है, ताड़का विद्या है,
पूतना कितनी जहरीली है कि उसने पूरे ब्रज के सभी छोटे बच्चों को मारने का कंस से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि ब्रज में जितने भी बच्चे इस महीने में पैदा हुए हैं मैं सबको समाप्त करूंगी। कितनी भयंकर है, देश की नई पीढ़ी को राक्षस बना रही है, वही ताड़का कर रही है। भगवान ने कहा कि मैं अगर सुबाहु मारीच को मार भी दूं तो भी ताड़का नए नए बच्चों को फिर संस्कार बिगाड़ के राक्षस बनाएगी, इसलिए पहले फैक्ट्री बंद करो, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बदल दो ठीक हो जाएगा, शिक्षा मंत्री बदल दो ठीक हो जाएगा। मां ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है, इसलिए भगवान पहले ताड़का और पूतना को निपटा रहे हैं। हमारे जीवन में से अविद्या का नाश हो, विद्या की स्थापना हो, हमको ये सिखा रहे हैं। भगवान ने कहा मुझ पे आरोप मत लगाओ, ध्यान से देखो, अगर मैं ताड़का को मारता हूं तो अहिल्या को तारता हूं, अगर मैं सुपर्णखा को दंडित करता हूं तो शबरी के झूठे बेर भी खाता हूं, उसको भी तारता हूं। मैं हमेशा अविद्या का नाश करता हूं, विद्या की रक्षा करता हूं। एक ही बार मैं अविद्या का नाश किया, एक ही बाण प्राण हर लीना। मारी सुबाहु को मारा, यज्ञों की रक्षा हुई, विश्वामित्र प्रसन्न हुए। विश्वामित्र के पास जितनी भी विद्याएं थी वो सब उन्होंने राम लक्ष्मण को दे दी। कैसी कैसी विद्याएं थी आप कल्पना कर सकते हैं, आपकी विद्याओं में कितनी ताकत है। जिन विद्याओं से एक एक साल तक आप बिना खाए पिए रह सकें और आपके शरीर का बल भी कम ना हो, तेज भी कम ना हो। जाते लाग न छुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। बला महाबला अतिबला, ऐसी दिव्य विद्याएं जिससे नींद पर विजय प्राप्त हो जाए, वो योग की विद्या विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण जी को सिखाई। इसलिए लक्ष्मण जी 14 साल सतत जागृत रहे, वो किसकी सिखाई हुई विद्या? विश्वामित्र की। भगवान श्री कृष्ण भी इस विद्या में निष्णात थे, अर्जुन को भी ये विद्या आती थी नींद पर विजय प्राप्त करने की। ये विद्याएं हैं योग में। हमने अपनी विद्याओं को पिछले 70 साल में कूड़े के ढेर में डाल दिया। हमने केवल विदेशों की विद्याओं को सत्य माना और आज कितने बुजुर्ग उसके कारण कष्ट पाते हैं। घुटनों में दर्द होता है तो घुटने रिप्लेस करवा लेते हैं, जबकि आयुर्वेद से आपके घुटने तुरंत ठीक हो सकते हैं। आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपकी प्रकृति क्या है, क्योंकि आपने अपनी विद्या को छोड़ दिया। हम सबका शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी और आकाश सबके शरीर में है, लेकिन अग्नि वायु और जल की मात्रा अलग अलग होने से प्रकृति बदल जाती है। यहां बैठे हुए जिन लोगों के बाल उड़ गए हैं कम उम्र में ही, उनके अंदर अग्नि तत्व अधिक है, उनकी पित्त की प्रकृति है, इसलिए बाल उड़ जाते हैं। जो लोग भारी हैं शरीर से, उनकी कफ की प्रकृति है, और जो चंचल मन के या चंचल, आपने कुछ लोग देखे होंगे ना, एक जगह बैठते नहीं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो वात की प्रकृति होती है, वायु की तरह। ये तीन प्रकार की प्रकृति होती है। हर मनुष्य के अंदर प्रकृति एक नहीं होती, डबल होती है, एक सहायक एक मुख्य। उसमें सबसे अच्छी प्रकृति कफ और पित्त की मानी जाती है। कफ माने गणेश जी वाली प्रकृति, मोटे भी और पित्त, उसमें अग्नि तत्व भी, वो मेहनती भी होते हैं चिंतक भी होते हैं। अपनी प्रकृति को जानिए। अब जिन माताओं की कफ की प्रकृति है, अगर वो दही खाएंगी कढ़ी खाएंगी, वात की प्रकृति है, तो घुटने तो जाम हो ही जाएंगे। अब ये पता ही नहीं कि हमारी प्रकृति कौन सी है, और हम प्रकृति के अनुकूल अगर भोजन करते हैं तो वही हमारे लिए अमृत है, और अगर प्रतिकूल भोजन करते हैं तो वही हमारे लिए विष है। हमारी जो घर की मसालदानी है, ये मसाला शब्द हमको इन लोगों ने दिया, मुगलों ने, हमारा तो औषधि शब्द था, लेकिन मसाला लोकप्रिय हो गया। ये जो 12 प्रकार के मसाले आपकी मसालदानी में होते हैं, ये आपका मेडिकल स्टोर है। अगर घर का खाना बनाने वाली बहू को ये पता हो कि मेरे घर में किस व्यक्ति की क्या प्रकृति है, तो उसको वो वही
जो उसकी प्रकृति है उसके अनुकूल ही औषधि उसमें डाल के देगी तो कभी बीमारी नहीं होगी। जैसे माताएं अरबी की सब्जी बनाती है तो अजवाइन डालती है, अजवाइन के बिना अरबी बनेगी तो गैस कर देगी, और कढ़ी बनाएंगी तो मेथी डालेंगी, और काशीफल बनाएंगी तो भी मेथी डालेंगी, और रायता तो राई से ही बना है, हींग जीरे से छुकेगा। तो कौन सी सब्जी के दाल के दोष को कौन सी औषधि ठीक करेगी वो हमारी खाने की विद्या है। दही को रात को नहीं खाना, सुबह खाना, दूध को रात को पीना, खीरा सुबह खाना रात को नहीं खाना, खीरा सुबह को हीरा रात में पीरा, मूली सुबह को अमृत रात में शूली, कौन से महीने में क्या नहीं खाना। अभी भादों का महीना है, भादों में दही नहीं खाना, अभी क्वार शुरू हो गया तो क्वार में करेला नहीं खाना, क्वार करेला भादों दही है? कौन से महीने में क्या खाना क्या नहीं खाना। हमारे IIT के टॉपर रहे राजीव दीक्षित जी, जिन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन चलाया, बाद में भारत स्वाभिमान से भी जुड़े, कितना प्रचार करते थे वो आयुर्वेद का। हमने अपनी विद्या को छोड़ दिया, हमने अपने अखाड़ों को छोड़ दिया, हमारी पहनने की विद्या कितनी अच्छी। भारत गर्म देश है, यहां 9 महीने गर्मी पड़ती है, ऐसे कपड़े पहनना जो शरीर को ऑक्सीजन मिले, इसलिए ढीले कपड़े पहनना, साड़ी पहनना, कुर्ता धोती पहनना। अब हम बरसात के महीने में भी जींस पहन के बैठे हैं, अब इस समय पसीना आता है, शरीर के रोम रोम को हवा चाहिए, और मोटा कपड़ा पहनकर हमने अपने शरीर की हवा को रोक दिया। जींस पहनिए जाड़ों में, साइंटिफिक नियम है कि गहरा रंग हमेशा ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। अब घोर गर्मी में मई जून के महीने में बच्चे जींस पहन के घूम रहे हैं तो उनके जो फोटॉन्स हैं धूप के, क्योंकि मैंने साइंस की पढ़ाई की है, आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, वो उसके शरीर के सेल्स को नष्ट करते हैं। इसलिए भारत के लोग बढ़िया सफेद धोती कुर्ता, इसमें से फर फर हवा पास हो, शरीर का रोम रोम में से पसीना निकलता है तो रोम रोम सांस लेता है, रोम रोम को ऑक्सीजन मिले। माताएं साड़ी, हमारी पहनने की विद्या, खाने की विद्या, हमारी सोने की विद्या। हम सिर करेंगे तो दक्षिण की ओर या पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर पैर नहीं करेंगे, वो साइंटिफिक है, चुंबकीय शक्ति के कारण, मैग्नेटिक पावर के कारण। अब साइंस आ गई तो उसने सिद्ध कर दिया, जब साइंस नहीं थी तब से अपने यहां चलता है। किधर को पैर करके सोना, दक्षिण की ओर पैर अच्छे नहीं माने जाते, दक्षिण की ओर शमशान होता है। एक एक विद्या कितने गजब की है, योग की विद्या। अब देखिए 170 देशों में योग शुरू हो गया। मेरे परिचय में एक ऐसे प्रोफेसर साहब आए जो रांची में इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे यूनिवर्सिटी में, नौकरी छोड़कर योगी हो गए, और मैंने देखा कि वो 6-6 महीने तक कुछ भी नहीं खाते थे, लेकिन उनके शरीर का तेज, उनके शरीर का सारी ऊर्जा बिल्कुल ज्यों की त्यों। तो ये जाते लाग ना छुदा पिपासा, भैया गोद में ले लें बच्चों को, थोड़ा ले लें गोद में ले लें, उनकी मम्मी को दे आए, आराम से आराम से, बहुत प्रेम से। ये तारे जमीन पर हैं, एक बार इस चौपाई को आप गा लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। जाते लागे न छोदा पिपासा, जाते लागे न छोदा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, जाते लागे न छोदा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। जिससे शरीर का बल कम ना हो, शास्त्रीय संगीत की विद्या देखिए आप, कितने सुंदर शास्त्रीय राग बज रहे हैं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाद्य नहीं है,
नहीं तो आजकल कथावाचक भी बिल्कुल डीजे जैसे वाद्य लेकर बैठते हैं। ये भारत का शास्त्रीय संगीत है भाई साहब। अभी बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है 11 सितंबर, जिस दिन अपनी कथा शुरू हुई ना उस दिन बहुत बड़ा त्योहार था, अमेरिका में मनाया जाता है उसको लादेन एकादशी के नाम से। ओसामा बिन लादेन ने 5000 अमेरिकी एक दिन में मार दिए थे। अमेरिका की 2 सबसे ऊंची बिल्डिंगों में सीधे विमान टकराए थे, 5000 अमेरिकी मारे गए थे, याद है 11 सितंबर 2001। 19 साल हुए हैं अभी, हर साल अमेरिका में मनाया जाता है। ये जितने भी डिस्को म्यूजिक, ये जितने भी पॉप म्यूजिक, ये अमेरिका वालों को शांति नहीं दे पाए। अमेरिका के लोग डरपोक बहुत होते हैं, डिप्रेशन में आ गए, नींद भाग गई उनकी। तो कलकत्ता से भारत के तरुण भट्टाचार्य को बुलाया गया उनके पूरे म्यूजिकल ग्रुप के साथ, चार्टर्ड फ्लाइट से वो गए। उन्होंने अमेरिका के प्रत्येक शहर में शास्त्रीय संगीत के कंसर्ट किए, अमेरिका का डिप्रेशन दूर किया। तब से हर साल तरुण भट्टाचार्य का सितंबर का महीना अमेरिका में बुक होता है। ये भारत के शास्त्रीय संगीत की शक्ति है। अकबर के दरबार में तानसेन दीपक राग गा रहे थे तो दीपक जला दिए थे, लेकिन उनके शरीर की त्वचा झुलस गई, वो मर जाते। लेकिन उनकी बेटी बहुत होशियार थी, उसने पिता के प्राण बचाने को राग मेघ मल्हार गाया, बारिश हो गई। वो आजकल आप टीवी पर विज्ञापन देखते होंगे एशियन पेंट्स का, जिसमें अनुपम खेर बोलते हैं, जा बेटी जा, ये लड़का तेरी शादी नहीं होने देगा। उसका प्रेमी मेघ मल्हार गाता है, वो मंडप वंडप गिर जाता है। बारिश हो गई, राग से दीपक जल गया, राग से बारिश हो गई। इसलिए शब्दम ब्रह्म, शब्द में ब्रह्म जैसी शक्ति है। अकबर ने कहा मेरा तानसेन सर्वश्रेष्ठ, बैजू बावरा ने कहा सर मेरा तो टेस्ट ही नहीं हुआ, आपने बिना टेस्ट के सर्वश्रेष्ठ, आप क्या कर सकते हो? बोले मैं पत्थर को पिघला सकता हूं, सबसे कठोर पत्थर की शिला रखी गई। बैजू बावरा ने राग मालकोस गाया और इतने दिल से गाया भाई साहब कि पत्थर पिघल गया, बैजू बावरा की भी मृत्यु हो गई, लेकिन पत्थर पिघल गया। ये अभी की घटना 500 साल पहले की, इतिहास में दर्ज है। ये आपका शास्त्रीय संगीत है। सुबह के राग अलग हैं, दोपहर के अलग हैं, शाम के अलग हैं, रात के अलग हैं। आप सुना करिए ना, सबके घर में मोबाइल है, अब तो मोबाइल में कुछ भी लिखो उसमें बोल दो सुबह के राग, है गूगल बाबा सुबह के राग सुनाओ, मोबाइल पे शुरू हो जाएंगे। एक सेल्समैन गया, उन्होंने कहा हमारा स्मार्टफोन सबसे बढ़िया, बुंदेलखंड के गांव में सीधे साधे लोग। एक बहन जी को उसने कहा ये कंपनी का लीजिए स्मार्टफोन, बहुत अच्छा। उसने कहा देखो भैया हम तो स्मार्टफोन तब सच्चो जाने जब हम स्मार्टफोन ते गए, काय रे स्मार्टफोन कहां डरो है, कहां डरो है, तो स्मार्टफोन हमको वहीं से जवाब दे, जी हम जे डरे खटिया के नीचे। अब तो गूगल सब कुछ कर रहा है, आपके बोलने पर उत्तर दे रहा है। आप सुनिए ना राग, शास्त्रीय संगीत की शक्ति, एक एक विद्या, ज्योतिष की विद्या, आयुर्वेद की विद्या। हर दवाई पे लिखा होता है एक्सपायरी डेट। हे बहन जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब विश्वामित्र जी अभी बैठे हैं, अरे एक मिनट बैठ जाओ। ये शास्त्रीय संगीत, कहां थे हम भूल गए। आयुर्वेद, आयुर्वेद आगे बैठना बड़ा कठिन काम है। हाँ, 2 मिनट धैर्य धारण करो। एक्सपायरी डेट होती है सब दवाओं पर, लेकिन आयुर्वेद की दवा जितनी पुरानी होगी उतनी और पावरफुल हो जाएगी। वो मृत्योर्मा अमृतम गमे, तमसोमा ज्योतिर्गमे, असतोमा सदगम। एक एक विद्या, आपके युद्ध की विद्या, पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण मारते थे भाई साहब, आपके दिल्ली के राजा, 56 इंच की छाती थी उनकी। पूरी गजनी में जब उनका जुलूस निकाला गया
लाखों लोग देखने आए, भाई इतना बड़ा वीर कौन सा जिसने 16 बार हराया। उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। लाखों लोग स्टेडियम में, बीच में पृथ्वीराज चौहान, उनके मंत्री ने कहा गौरी के, हमारी जनता देखना चाहती है महाराज, आप शायद शब्द भेदी बाण मारते हैं, दिखाएंगे? बोले दिखाऊंगा, लेकिन मेरा तर्कश मेरा धनुष। उन्हीं का तर्कश उन्हीं का धनुष दिया गया। चौहान के माथे पर मुस्कुराहट आ गई, चेहरे पर, कहा मारो, जहां से आवाज आएगी वहीं बाण लगेगा। घंटे में हथौड़ा मारा गया, जैसे ही टन की आवाज हुई बाण निकला, घंटे में छेद हो गया। पहली बार मोहम्मद गौरी ने ऐसा चमत्कार देखा था। वहीं से चिल्लाया सुभान अल्लाह, जनता ने तालियां बजाई, और जैसे ही आवाज कान में पड़ी सुभान अल्लाह, उसी समय चंद्रवरदाई कवि ने बोला, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है चूके मत चौहान, उसी ऊंचाई पर बाण मारा, एक बाण में गौरी को निपटा दिया। ये विद्या होती है। ये जरा सा कंप्यूटर पर गिटपिट करना सीख गए, फेसबुक व्हाट्सएप चलाना सीख गए तो विद्या। अपने बच्चों को बताइए कि जरा विद्याएं सीखें। एक भी विद्या से अगर आपके बच्चे जुड़ गए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। नहीं तो आज बाहें होती जा रही हैं अगरबत्ती जैसी, टांगें होती जा रही हैं धूप बत्ती जैसी, आंखों पर चश्मा, गाल पिचके हुए। जरा बालकों को विद्याओं से जोड़िए। विश्वामित्र जैसे ऋषि देश के बचपन को तेजस्वी बना रहे हैं, राम लक्ष्मण को तेजस्वी बना रहे हैं, हमारे बालक भी तेजस्वी बने, इस भावना के साथ आज भगवान विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में रुक रहे हैं और यहाँ से कल वो प्रस्थान करेंगे। लेकिन कहाँ प्रस्थान करेंगे आपको पता है? ससुराल जनकपुर, और वो गंगा जी के किनारे किनारे यात्रा होगी, और भगवान के विवाह का उत्सव प्रारंभ होगा। अब कथा का आज 5वां दिन पूरा हुआ, 4 दिन शेष बचे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान के विवाह के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए कल आप सब जरा, वैसे तो आपने धोती कुर्ता कभी पहना नहीं होगा, काफ़ी लोगों ने तो पहना होगा, लेकिन कल कोशिश करिए, और पूरा ना पहन सके तो ऊपर कुर्ता पहन लीजिए और नीचे पजामा पहन लीजिए। हालांकि पजामा भारतीय नहीं है, पजामा ईरान से आया, अरब से, और धोती इंग्लैंड से आई, वो पेंट इंग्लैंड से आई, अपनी तो धोती है, ठीक है ना। लेकिन तो भी आप धोती कुर्ता पहन सकें तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी इस कथा का टेलीकास्ट 20 तारीख से पूरे देश में जाएगा, डीलाइव शुरू होगा, तो लोग देखें जरा कि शाहदरा के लोग भी कितने धर्मात्मा हैं। इसलिए कल भगवान के विवाह में बढ़िया धोती कुर्ता पहनकर आप पधारें, ऐसा आपसे निवेदन है। माताओं से भी निवेदन है कि श्रेष्ठ अपना जो भी, खैर आप तो बहुत सुंदर भारतीय वेश पहनकर आती हैं, तो कल सब लोग, भगवान का उत्सव कल से प्रारंभ होगा, सादर आमंत्रित। अब मेरे साथ स्तुति करें, फिर हम आरती करेंगे। हे ईश, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन दान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा कोशो भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता हे मेरे करतार,
हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निदान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निदान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भो। बार बार बर मांगहुं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत वर्ष अखंड हो, जोर से अखंड हो, भारत वर्ष अखंड हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पितृपक्ष में जो भी इस कथा का श्रवण करेंगे उनको भी आनंद होगा, उनके पितरों को भी आनंद होगा, और पितरों की कृपा से संतान संपत्ति के सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए अभी जो लोग आने से रह गए हों सबको निवेदन करिए, और कथा का उद्देश्य चूंकि परम पवित्र है, कुष्ठ रोगियों की सेवा और उनके बच्चों का लालन पालन जो समर्पण सेवा फाउंडेशन के द्वारा होता है वो इसका उद्देश्य है, इसलिए सबको उसके बारे में आप जागृत करें, ऐसा आपसे निवेदन। श्री राम चंद्र कृपालु भजुभन हरण भव भयदारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वर्ष निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम, एते वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम, हरण भव भयदारुणम।